सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल दिल यू मिले हमारे बाय ज़ीनिया शर्जील। सो आज का जो लास्ट एपिसोड है इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। फाइनली एंडिंग इसकी हैप्पी ही होगी। सो नॉवल शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप में से जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू इट राइट नाउ, बिकॉज अपनी टफ रूटीन के बावजूद I try to manage my time and try my level best to upload on regular basis. तो ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे encourage करेंगे, family की तरह मुझे support करेंगे। Because as a YouTuber मुझे पता लगता है कि कितने परसेंट लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सब्सक्राइबर्स कितने हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो अभी भी आज की डेट में 40% गद्दार मौजूद है मेरे चैनल पर, यानी कि 40% ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं कि जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बट फिर भी वो मेरे चैनल पर आकर सर्च करके उसको सुनकर फिर जाते हैं। तो मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। बहरहाल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, मुझे हमेशा जो मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट रखते हैं। और जितने भी लोग गद्दार मौजूद हैं मैं उनसे भी इंसान बनने की तवक्को रखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। थोड़ी देर पहले जहांगीर के पास वासिफ की कॉल आई थी। जहांगीर ने उसे रोहान की शिप में जाने वाले सामान की पूरी जानकारी लेने के लिए बोला था। वासिफ जूनियर होने के बावजूद काफ़ी तेज़ और शातिर लड़का था। बकौल उसके परसों रोहान की शिप में अच्छी खासी तादाद में लड़कियों को दूसरे मुल्क में भेजा जाएगा। अंदर से उसका दिल नहीं मान रहा था कि रोहान ऐसे काम में भी मुलव्वस हो सकता है। अगर वो काशिफ जेरी का साथी हुआ तो यकीनन उसकी कमर पर भी बही लोगो होगा। अब ये बात रोहान उसे खुद से तो बताने से रहा, क्या उसे ऐना से ही पूछना चाहिए? तरह तरह के सवालात और ख्यालात जहांगीर के जहन में आ रहे थे। वो बेडरूम में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आगोल बेडरूम के अंदर दाखिल हुई। सोचों का तसलसल टूटा, सारा ध्यान उसका अपनी बीवी की तरफ गया। किचन में पेश आने वाले वाक्ये के बाद उन दोनों ने खामोशी से रात का खाना खाया। आगोल अपना ड्रेस चेंज करके जहांगीर के पास बेड पर आकर बैठी। जहांगीर, हमारी शादी से पहले शॉपिंग मॉल में जब आपने मुझे सैफी के साथ जेंट्स टॉयलेट में देखा था तो उस दिन लेडीज़ टॉयलेट में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। गार्ड्स के कहने पर मैं जेंट्स टॉयलेट की तरफ गई थी। आगोल जहांगीर के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई उसे बताने लगी। जहांगीर ने गौर से उसे देखा। वो ये सब बताकर जहांगीर की गलतफहमी दूर कर रही थी। मैं जानती हूँ मैंने बेवकूफ़ी की थी, मुझे यूँ सैफी के बुलाने पर उससे होटल में मिलने नहीं जाना चाहिए था, मगर मैं वहाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं गई थी, आप कसम ले लें मुझसे, आगोल जहांगीर को देखती हुई बताने लगी। जहांगीर उसी को देख रहा था। उसने अपना हाथ आगोल के हाथ से निकाल कर खुद उसका हाथ थामा। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो देख चुका था। जहांगीर को अच्छा नहीं लगा कि उसकी बीवी उसे अपने किरदार की वजाहत दे। वो जानता था वो ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं है। आगोल की आँखों में नमी आई। मैं उसके साथ घूमती फिरती थी, उसके मुंह से कई बार अपने लिए इजहार मोहब्बत सुना मगर कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, ना कभी खुद से इजहार किया। आई प्रॉमिस, वो आंखों में आंसू लिए बोली। तुम्हें सैफी से मोहब्बत नहीं थी? जहांगीर ने आगोल को देखकर सवाल किया, जिस पर आगोल ने नफ़ी में सही लाया। कभी भी अपने दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स महसूस नहीं की जो मैं अब आपके लिए महसूस करती हूँ, आगोल जहांगीर की आंखों में देखकर बोली। जहांगीर खामोशी के साथ साथ हैरत से उसे देखने लगा। वो सीधा सीधा उससे मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी, यानी एक मिडिल क्लास और बदसूरत शौहर से आखिरकार उसकी बीवी को मोहब्बत हो गई। जहांगीर संजीदगी से आगोल को देखता हुआ पूछने लगा, तो आगोल की आंखों की नमी गालों पर आंसुओं की सूरत आई। मुझे मालूम था आपको कभी मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, बल्कि यही लगेगा मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए यह सब कह रही हूँ, आगोल जहांगीर से अपना हाथ छुड़ाकर बोलती हुई बेड से उठने लगी। तो जहांगीर ने उसका हाथ पकड़ा। बेवजह ही आगोल को रोना आने लगा। क्यों नहीं आएगा यकीन? जो लड़की मेरे लिए खाना बनाना सीख सकती है, मेरी पसंद के मुताबिक कपड़े पहन सकती है, अपने आप को पूर मेरी पसंद के मुताबिक ढाल सकती है, और सबसे बड़ी बात जो अपने शौहर की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देख कर उसकी पूरी शर्ट जला सकती है, उसके जज्बों पर यकीन किया जा सकता है, वो यकीनन अपने शौहर से मोहब्बत करती होगी, जहांगीर उसके गाल से आंसुओं को साफ करता हुआ बोला। आगोल खामोशी से जहांगीर को देखने लगी।
तो जहांगीर ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे और आगोल को अपने हसार में लिया। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तुम मेरी शर्ट लेकर मुझसे सवाल करने आई थी, मगर ये सब तुम्हारे मुंह से सुनकर ज़्यादा अच्छा लगा। जहांगीर उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग करता हुआ बोला, मेरा खून मत चलाएं, बार बार उस मनहूस रोज़ी का कारनामा याद दिलाकर। उसकी तो काशिफ साहब ने बाद में अच्छी क्लास ली होगी। आगोर जहांगीर की बाहों में उससे बोलने लगी, अच्छी क्लास ली होगी, क्या मतलब, कैसे? जहांगीर उसके गिर्द से अपने बाजू हटाता हुआ कंफ्यूज होकर अगोल को देखकर पूछने लगा, तो वो एकदम गड़बड़ा गई, मगर फिर उसने सच बताने का फैसला किया। इतना गुस्सा आया था ना मुझे उस दिन जहांगीर, कितना रोई थी मैं उस रात। इसीलिए बाद में मैं यूनिवर्सिटी से सीधा काशिफ साहब के घर चली गई और उन्हें साफ कह दिया कि वह रोज़ी को संभाल कर रखें, उसकी बेतकल्लफ़ी मुझे अपने शौहर से ज़रा पसंद नहीं। अगोल जैसे जैसे बता रही थी जहांगीर को वैसे वैसे अगोल पर गुस्सा आने लगा। यानी काशिफ ने रोज़ी को मारकर उसकी डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन के सामने इसीलिए पिकवाया था, उसे लगा कि वो रोज़ी का हमदर्द है या फिर रोज़ी उसकी मुखबर है। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है अगोल, ऐसे ही मुंह उठाकर अकेली जेरी के घर चली गई, अक्ल नाम की कोई चीज़ है तुम में? जहांगीर अब गुस्से में अगोल को डांटने लगा, क्योंकि बहुत मुमकिन था अगोल की बेवकूफ़ी की वजह से ही रोज़ी अपनी जान से हाथ धो बैठी हो, और यूं जेरी के घर अकेले जाना उसके खुद के लिए कितना खतरनाक था। आपको इतना बुरा लग रहा है मेरा काशिफ साहब से रोज़ी की शिकायत करना कि आप उल्टा मुझे डांट रहे हैं? यानी वो चुड़ैल आपके लिए मायने रखती है? आगोल नाराज़ होती हुई बेड से उठने लगी, तो जहांगीर ने दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाया। वो मायने नहीं रखती, मेरी बीवी मेरे लिए मायने रखती है। काशिफ सही आदमी नहीं है, तुम्हें यूं अकेले उसके घर नहीं जाना चाहिए था। प्रॉमिस करो अब कभी भी दोबारा ऐसे बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करोगी। जहांगीर अब गुस्से की बजाय नरमी से बोला। उस पर गुस्से का फ़ायदा भी क्या था, वो सारी बातों से ला इल्म थी। नहीं करूँगी, मगर बार बार यूँ इनडायरेक्ट मुझे बेवकूफ़ मत बोलें। ये बताएं कि आपकी बीवी आपके लिए कितनी मायने रखती है? अगोल का दिल चाहा वो भी जहांगीर के मुँह से अपने लिए इजहार और तारीफ सुने। इसमें बताने वाली क्या बात है, बीवी हो तुम, मेरी मायने तो रखती हो भी मेरे लिए। जहांगीर उसे टालता हुआ बोला, फिलहाल वो इतनी जल्दी कोई इजहार करने के मूड में नहीं था। ये क्या बात हुई, बीवी हो तुम मेरी, मायने तो रखती हो मेरे लिए, जरा ठीक से बताएं ना। आगोल मजीद जहांगीर के करीब आकर बैठी। जहांगीर मुस्कुराकर उसे देखने लगा और उसको खुद के करीब करके अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। जहांगीर पहले मेरी बात का जवाब दें आप, आगोल उसे अपना आप छुड़ाती हुई पूछने लगी। वो जहांगीर से भी एतराफ़ चाहती थी, बाद में बताऊँगा, पहले यहाँ आओ। जहांगीर बोलने के साथ ही उसे अपने हसार में ले चुका था। मुश्किल से चंद पल ही गुजरे थे तब जोर जोर से गोलियों की बौछार शुरू हुई, जैसे कोई घर से बाहर गेट पर बुरी तरह गोलियां बरसा रहा हो। जहांगीर एकदम उठकर बैठा, आगोल भी गोलियों की आवाज़ सुनकर बेड पर बैठ गई। कोई घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो चुका था। जहांगीर ने फुर्ती से बेड की साइड टेबल की दराज से अपना पिस्टल निकालना चाहा, पर उसे महसूस हुआ कोई बाहर बरामदे में चलता हुआ बेडरूम की खिड़की के नज़दीक आ रहा है। वो बिना रिवॉल्वर लिए आगोल को खींचकर बेड की दूसरी साइड पर नीचे बैठ गया। गोलियों से फायर करके बेडरूम की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए थे। आगोल गोलियों की आवाज़ सुनकर बेतहाशा डर गई। सिर्फ 2 मिनट की खामोशी के बाद दूसरे बेडरूम फिर ड्राॅइंग रूम की खिड़कियों पर गोलियाँ चलना शुरू हुई। वो जो कोई भी था कमरों के अंदर दाखिल होने की बजाय बरामदे में खड़ा घर के कमरों की सारी खिड़कियां और दरवाज़ों पर गोलियां बरसा रहा था। आगोल ने डर के मारे रोना चाहा तो जहांगीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी नज़र सिर्फ बेडरूम के बंद दरवाजे पर थी और जहन सिर्फ कदमों की आहट पर। वो जो कोई भी था आसानी से लाउंज या ड्राॅइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हो सकता था, मगर वो बाहर खड़ा ही गोलियाँ चला रहा था, जैसे मकसद सिर्फ खौफ ज़्यादा करना या धमकाना हो। अब गोलियों की बौछार सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। 10 मिनट बाद बाहर का गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। शायद वो वापस चला गया था। जहांगीर ने उठना चाहा तो आगोल ने उसका गिरेबान सख्ती से पकड़ लिया। वो नफ़ी में सर हिलाकर इशारा करती उसको मना कर रही थी, साथ ही बे आवाज़ रो भी रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जहांगीर कहीं भी जाए। तब जहांगीर ने उसका हाथ अपने गिरेबान से हटाया और उसे खामोश रहने का इशारा करता हुआ अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा।
आहिस्ता से वो खिड़की के पास आया जहाँ कमरे में अंदर की तरफ कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। खिड़की से झांकने के बाद उसे बाहर का मंजर साफ लगा। वो भागकर दराज से अपनी पिस्टल निकालकर आगोल पर नज़र डालता हुआ और बेडरूम से बाहर निकला। बेडरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया। मोहतात अंदाज में चलता हुआ उसने नज़रों और दिमाग को चाको चौबंद रखा। घर के तमाम कमरे क्लियर थे, खिड़कियों के कांच बिखरे पड़े थे। अलबत्ता बाहर निकलकर उसने ज़ख्मी गार्ड को देखा और शकील को कॉल करने लगा। कल रात होने वाले वाकये के पीछे सिर्फ और सिर्फ काशिफ ज़ेरी का ही हाथ हो सकता है। वो उसे धमकाना या खौफज़दा करना चाहता था या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया था। अब वक्त आ गया था कि जहांगीर भी उसे कुछ कर दिखाए। अपना यूनिफॉर्म पहनकर पिस्टल को चेक करता हुआ कार की कीज़ लेकर घर से बाहर निकला। कल की सारी रात उसने तकरीबन जाग कर गुजारी थी। आगोल कल रात काफ़ी डर गई थी। बार बार वक्फे वक्फे से सारी रात खौफ के मारे उसकी आँख खुलती रहीं। जहांगीर उसे अपने जागने का यकीन दिलाता रहा ताकि वो इत्मीनान से सो जाए। जहांगीर की सुबह 6 बजे के करीब 2 घंटे के लिए आँख लगी थी। सबसे पहले उसने उठकर आगोल को उसके मैके छोड़ा। वो अकेले जाने के लिए या रुकने के लिए तैयार नहीं थी। तब जहांगीर ने उसे बोला कि वो उसे रात को वापस ले आएगा। आगोल का घर में यूँ अकेले रहना सेफ हरगिज नहीं था। उसने आज ही पहली फुर्सत में घर के और मेन डोर के लॉक चेंज करवाए। घर की तमाम खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए। घर के बाहर सिक्योरिटी पर्पस से कैमरे पहले से ही लगे हुए थे, अब उसने घर के अंदर भी लगवा दिए। घर के सारे काम करवाने के बाद उसने दूसरे गार्ड का इंतज़ाम किया। पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसने कार का रुख काशिफ ज़ेरी के घर की तरफ किया। नाम और शनाख्त के बाद जहांगीर अपनी गाड़ी काशिफ ज़ेरी की कोठी के अंदर लेकर आया। काशिफ ज़ेरी बाहर लॉन में ही कुर्सी पर विराजमान था। उसका एक मुलाजिम और जुनेद भी वहीं मौजूद थे जो उसके पीछे खड़े थे। जहांगीर अपनी कार पार्क करता हुआ उसके पास आया। आओ SP, कहो कैसे आना हुआ? काशिफ ज़ेरी जहांगीर को देखता हुआ पूछने लगा। जहांगीर ने उसके सामने खड़े होकर पिस्टल निकाली। वैसे ही जुनेद ने भी अपनी पिस्टल निकाली। जहांगीर ने गुस्से में घूर कर उसे देखा और 2 कदम का फासला तय करके जुनेद के पास पहुंचा। पुलिस को हथियार दिखाता है, बोलने के साथ ही जहांगीर ने 2 थप्पड़ जुनेद के मुंह पर मारे। जुनेद को मारने के बाद उसने पिस्टल का रुख लॉन में लगे बल्ब की तरफ किया। उस पर फायर मारने के बाद उसने काशिफ ज़ेरी की गाड़ी पर 3 से 4 फायर किए। SP? काशिफ ज़ेरी गुस्से में जहांगीर को देखकर चीखा तो जहांगीर ने अपनी पिस्टल का रुख उसके सामने किया। तुम मेरे घर में घुसकर कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहे हो, काशिफ ज़ेरी कुर्सी से उठकर जहांगीर से बोला। वो काफ़ी देर से पुलिस वाले की गुंडागर्दी अपने घर में देख रहा था। जहांगीर चलता हुआ काशिफ ज़ेरी के पास आया और टेबल पर रखा हुआ चाय के कैटल पर फायर किया। काशिफ ज़ेरी गुस्से को जब्त करता हुआ उसे देखने लगा। ये आँख मचोली बंद कर दो ज़ेरी, आइंदा अगर तुमने मेरे घर की तरफ या मेरी बीवी की तरफ बुरी नज़र से देखा तो मुझे किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। अपनी ईमानदारी को मैं एक तरफ रख कर इस पिस्टल में मौजूद सारी की सारी गोलियां तुम्हारी इस खोपड़ी में भर दूंगा। जहांगीर काशिफ ज़ेरी को बोलता हुआ वापस जाने लगा। तभी पीछे से जुनेद ने पिस्टल का रुख जहांगीर की पुश्त पर किया। बेवकूफ़ी मत करो जुनेद, पिस्टल नीचे करो। वो यहाँ ऐसे ही नहीं आया होगा, अपनी सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम करके आया होगा, काशिफ ज़ेरी जुनेद को देखता हुआ बोला और फिर जहांगीर को देखने लगा जो अपनी कार में बैठकर गेट से बाहर निकल गया। सुबह से ही आगोल घर में आई हुई थी। उसे अच्छा खासा टाइम देने के बाद वो फातिमा की इजाज़त पर ड्राइवर के साथ शॉपिंग मॉल आ गई थी जहां से उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। वो अभी कार में बैठने का इरादा रखती थी तब उसका मोबाइल बजने लगा। क्या हुआ, बीबी की याद आ रही है, दिल नहीं लग रहा बेगम के बिना? सलाम के बाद ऐना जहांगीर से पूछने लगी और कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। बीवी की याद आती तो उसको कॉल मिलाता, इस वक्त मैंने अपनी बहन से खैरियत पूछने के लिए कॉल की है। जहांगीर इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। थोड़ी देर पहले ही उसने आगोल को कॉल मिलाकर रात को रेडी रहने का बोला था। तब आगोल से ऐना का पूछने पर उसे मालूम हुआ कि वो बाहर मार्केट तक गई है। तभी जहांगीर ने ऐना को कॉल मिलाई। मैं ठीक हूँ भाई, रात में आ रहे हैं ना आप घर? ऐना ड्राइवर को चलने का इशारा करती हुई जहांगीर से पूछने लगी। नहीं यार, आज थोड़ा बिजी हूँ, बस आगोल को रात में लेकर घर निकलूँगा। तुम रोनी के साथ चक्कर लगाओ, बल्कि ऐसा करो कल तुम दोनों हमारे साथ ही डिनर कर लो।
जहांगीर ने बैठे बैठे खुद ही प्रोग्राम बनाते हुए ऐना को बोला, कल का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, कल तो रोहान भी बहुत लेट घर आएंगे। कल दरअसल कुछ ज़रूरी सामान शिप पर पहुंचाना है ना, जो रोहान अपनी निगरानी में ही पहुंचाएंगे। ऐना जहांगीर को कल ना आने का जवाब बताने लगी और जहांगीर का दिमाग कहीं और ही चला गया। ऐना, क्या रोनी की कमर पर के का टैटू अभी तक मौजूद है? जहांगीर ने ऐना से एकदम से सवाल किया। जी मेरा मतलब नहीं, कौन सा टैटू? ऐना जो कि अचानक से पूछे गए सवाल पर बेसाख्ता जी बोल चुकी थी, मगर रोहान का रद्द अमल याद आने पर वो बात संभालती हुई भी अनजान बनकर उल्टा जहांगीर से पूछने लगी, नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी कुछ काम याद आ गया है। जहांगीर कॉल काट चुका था और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। ऐना का पहले इकरार करना और फिर बात को संभालते हुए ला इल्मी का इजहार करना, उसकी बहन क्या कुछ जानती थी रोहान के बारे में, ये वो बाद में बातों बातों में अंदाज़ा लगा लेगा। मगर ये तो कन्फर्म था, रोहान की कमर पर वो टैटू मौजूद है और कल रोहान की शिप में वाकई लड़कियों को इल्लीगल तरीके से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा था। क्या सिर्फ आगोल को ही खतरा था, उसकी अपनी बहन सेफ थी? जहांगीर को अब ऐना की भी फिक्र होने लगी। उसे नहीं लगता था कि रोहान ऐना को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मगर उसे काशिफ जेरी का कोई भरोसा नहीं था। उसे यकीन था कल जो कुछ उसके घर हुआ और परसों जो लोग आगोल को लेने आए थे, रोहान उन सब बातों से अनजान होगा। उसने आज सुबह आगोल को सख्ती से मना किया था कि अपने घर में फ़िलहाल कोई बात नहीं बताएगी। वो रोहान को अलर्ट नहीं करना चाहता था, उसे कल का इंतज़ार था जो शिप पर वो रोहान को रंगे हाथ पकड़ेगा। भाई को कैसे मालूम हो गया रोहान की कमर पर उस टैटू के बारे में? शुक्र है मैंने बात संभाल ली, ऐना जहांगीर की कॉल रखती हुई सोचने लगी। कार सिग्नल पर रुकी, तब उसकी नज़र रोहान की गाड़ी पर पड़ी जो कि 3 से 4 गाड़ियों के आगे खड़ी थी। ऐना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसने अपना मोबाइल बैग से निकाला। कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? ऐना ने रोहान को टेक्स्ट करके पूछा तो उसे रोहान का मैसेज मौसूल हुआ। ऑफिस में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ जान, खैरियत? रोहान का मैसेज पढ़ने के बाद ऐना उसकी कार को घूर कर देखने लगी जो कि सिग्नल खुलने पर स्टार्ट हो चुकी थी। खैरियत है, बस याद आ रही थी आपकी, ऐना मैसेज सेंड करते हुए ड्राइवर से रोहान की कार को फॉलो करने को कहने लगी। वो अपने मिजाजी खुदा को उसके झूठ पर थोड़ा सा शर्मिंदा करने के बाद घर जाना चाहती थी। सी यू सून डार्लिंग, रोहान का मैसेज काफ़ी देर बाद उसे मौसूल हुआ जब ड्राइवर ने कार अल किंग होटल के गेट पर रोकी। मैम, क्या कार होटल के अंदर लेकर जानी है? ड्राइवर ऐना को देखता हुआ पूछने लगा, क्योंकि रोहान की कार अंदर जा चुकी थी। नहीं, आप ऐसा करें कि घर चले जाएं, मैं रोहान के साथ आ जाऊंगी, ऐना कार से उतरती हुई ड्राइवर को बोली और होटल के अंदर चली गई। रोहान से थोड़ा फासला रखते हुए वो उसके पीछे जाने लगी। आप यहाँ कहाँ जा रही हैं मैडम, आगे कोई रास्ता नहीं? वो वाकई एक अनजान सा रास्ता था जहाँ से सीढ़ियाँ उतर कर रोहान होटल के अंदर गया था। ऐना उसके पीछे जाने लगी, तभी वहाँ एक गार्ड गन हाथ में लिए खड़ा था। ऐना को देखता हुआ पूछने लगा, रास्ता कैसे नहीं है? अभी मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है, रास्ता दें प्लीज़, ऐना गार्ड को देखती हुई बोली। तो गार्ड ने उस खूबसूरत सी लड़की को देखा जो कि खुद ही दलदल में फंसने को जा रही थी। पुर इसरार मुस्कुराहट के साथ उसने ऐना को जाने दिया। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, ऐना सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे पहुँची। वहाँ पर लिफ्ट मौजूद थी और बाकी जगह सुनसान थी, यकीनन रोहान उस लिफ्ट में ही कहीं गया होगा क्योंकि वहाँ कोई और दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। ऐना को लगा उसे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो लिफ्ट के अंदर चली गई। बटन में मौजूद बटन दबाने पर लिफ्ट मज़ीद नीचे यानी अंडरग्राउंड जाने लगी। वो बेहद आहिस्ता से कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। एक पतली सी गली जो उल्टे हाथ को मुड़ती थी, वहीं उसे रोहान की आवाज़ आने लगी। वो किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ऐना मुड़ने की बजाय दीवार से चिपक कर हल्का सा सर निकाल कर रोहान को देखने लगी। रोहान अपना मोबाइल पॉकेट में रख रहा था और दीवार पर लगे बटन को दबा रहा था जो उसे क्लियर नहीं नज़र आ रहे थे। बटन दबाने से वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला और रोहान अंदर चला गया। रोहान कहाँ चले गए हैं, ये कैसी पुर इसरार सी जगह है, मुझे शायद वापस चले जाना चाहिए, ऐना को घबराहट होने लगी। वह लिफ्ट की तरफ बढ़ी, मगर लिफ्ट से एक आदमी निकला जो उसे देख कर चौंका। ऐना अचानक किसी और आदमी की आमद पर एकदम डर गई।
वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर, कैसे आई इस जगह? जुनेद ऐना की कलाई पकड़कर पूछने लगा। अकेली किसी लड़की का इस जगह पर आना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि इस जगह को कोई नहीं जानता था। ना जाने ये लड़की गलती से आ गई थी या फिर जासूसी कर रही थी। ये क्या बदतमीजी है, आपने हाथ क्यों पकड़ा, मेरा हाथ छोड़े। ऐना अचानक उस अजनबी के हाथ पकड़ने से घबरा गई थी। वो डरने के बावजूद सख्त लहजे में बोली, जो भी कोई एक दफ़ा गलती से यहाँ आ जाए वो वापस नहीं जा सकता, अब तुम भी वापस नहीं जाओगी। जुनेद उस खूबसूरत लड़की को देखता हुआ बोला, जो उसे देखी देखी लग रही थी, मगर वो यहाँ की कैदी हरगिज नहीं थी। मुफ्त हाथ लगा खूबसूरत माल वो लोग भला कहाँ छोड़ने के आदि थे, इसीलिए वो ऐना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। छोड़े मेरा हाथ, यहाँ मेरे हस्बैंड आए हैं, मैं उनसे आपकी शिकायत करूँगी, प्लीज़ हाथ छोड़ें। जुनेद ऐना की कलाई पकड़ता हुआ उसे ले जा रहा था। ऐना को समझ नहीं आ रहा था वो उससे कैसे अपना हाथ छुड़ाए। वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी जहाँ वो आदमी उसे लेकर जा रहा था। ऐना की बातें सुनने के बावजूद जुनेद उसका हाथ पकड़ता हुआ उसे उस खुफिया जगह पर ले आया था। ऐना जैसे जैसे उसके साथ कदम बढ़ाने पर मजबूर थी, वैसे वैसे उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वहाँ पर लोगों को और छोटे छोटे बच्चों को कैद किया गया था। प्लीज़ मुझे नहीं जाना यहाँ, ऐना रोती हुई उससे अपना हाथ छुड़ा कर भागने की कोशिश करने लगी। तभी जुनेद ने हाथ की मुट्ठी में उसके बालों को पकड़ा। अब वो ऐना को अंदर की तरफ एक कमरे में लेकर जा रहा था। रोहान को 5 मिनट हुए थे काशिफ जेरी के पास आकर बैठे हुए। कल शिप के जरिए लड़कियों की एक बड़ी तादाद को दूसरे मुल्क रवाना करना था, जहाँ उनकी बोली लगाई जाती और नीलामी होती। रोहान उसी के बारे में काशिफ जेरी से बात करने आया था, साथ ही उन लड़कियों के चेहरे भी देखने आया था जिनको कल उसकी शिप में पहुंचाया जाता। तभी रोती हुई इंसानी आवाज़ पर वो बेसाख्ता मुड़ा। काशिफ ने भी रूम के अंदर आते हुए जुनेद को देखा, जो किसी लड़की को बालों से पकड़ता हुआ रूम के अंदर ला रहा था। जुनेद, रोहान ने ऐना को देखा जिसको बालों से जुनेद ने पकड़ा हुआ था। रोहान बेहद गुस्से में जुनेद पर धाड़ा। आज उसे ऐना को इस जगह देखकर मालूम हुआ पैरों तले ज़मीन निकलना किसे कहते हैं। रोहान के बुरी तरह चीखने पर जैसे ही जुनेद ने ऐना को छोड़ा, ऐना भागती हुई रोहान के गले से लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोहान के साथ साथ काशिफ जेरी भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और हैरत से रोहान की बीवी को देखने लगा। आखिर यहाँ तक कैसे पहुँची? जुनेद भी हैरत ज़दा था कि ये लड़की रोहान की बीवी है। शादी वाले दिन मेकअप की वजह से शायद वहाँ उसे पहचान नहीं पाया था। तुम्हारी बीवी यहाँ क्या कर रही है रोहान? काशिफ जेरी ऐना को देखता हुआ रोहान से पूछने लगा। जानना तो रोहान भी ऐना से यही चाहता था कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रही है, मगर उससे पहले जुनेद बोल पड़ा, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी वाइफ है, मगर थोड़ी देर पहले इसने कहा कि यह आपका पीछा करती हुई यहाँ पर आई थी। जुनेद रोहान को देखता हुआ बताने लगा। रोहान अभी तक ऐना की हरकत पर गुस्से से ज़्यादा सदमे की हालत में था और ऐना अभी भी खौफ के मारे रोहान से चिपकी हुई रो रही थी। सर, मैं आपसे रात में बात करता हूँ, रोहान काशिफ जेरी से बोलता हुआ ऐना के शोल्डर के गिर्द अपना बाजू लपेट कर वहाँ से निकलने लगा। वहीं रुक जाओ रोहान, काशिफ जेरी की आवाज़ पर रोहान के कदम रुके तो ऐना को भी रुकना पड़ा। रोहान पलट कर काशिफ जेरी को देखने लगा और ऐना अपने शौहर का घबराया हुआ चेहरा देखने लगी। इलियास याद है तुम्हें, उसकी बीवी को यहाँ पर अनजाने में लाया गया था, जबकि तुम्हारी बीवी यहाँ पर खुद चलकर आई है तुम्हारा पीछा करते हुए। ये अब तुम्हारे साथ साथ मेरी असलियत से भी वाकिफ हो गई है, इसे तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते, काशिफ जेरी रोहान को देखता हुआ बोला। एक बार फिर ऐना ने खौफ से रोहान को जकड़ लिया। रोहान ऐना को अपने हसार में लेते हुए खुद भी डर गया था। आप मुतमईन हो जाएं, ये किसी को कुछ नहीं बोलेगी, रोहान को इस वक्त डरना नहीं था, इसीलिए वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल करता हुआ बोला, यहाँ अपनी बीवी को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं मुतमईन नहीं हो सकता रोहान, ना ही अपने लिए कोई रिस्क ले सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारी बीवी SP की बहन है, ये बात बहुत ख़तरनाक है। काशिफ जेरी ने जुनेद की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे पिस्टल लिया। पिस्टल हाथ में लिए वो चलता हुआ रोहान के पास आया। ऐना रोहान के गले लगकर रोने लगी। रोहान खामोशी से पहले काशिफ जेरी को देखने लगा, फिर उसके हाथ में मौजूद पिस्टल को देखने लगा। यहाँ मौजूद लड़कियों के साथ जो सलूक होता है वो यकीनन तुम अपनी बीवी के साथ होता हुआ नहीं देख सकते, ऐसा ही है ना रोहान? काशिफ जेरी पिस्टल का रुख रोहान की तरफ करता हुआ उससे पूछने लगा। रोहान को लगा
जैसे आज वो सरेआम लुट जाएगा, कहीं उसकी इज्जत खाक में न मिल जाए। वो खामोशी से काशिप जेरी को देखने लगा। ऐना अभी भी रूहान के गले लगी हुई खौफ से रो रही थी। अपने हाथ से ख़त्म कर दो अपनी बीवी को, काशिप जेरी पिस्टल को अपने हाथ के ऊपर रख कर रूहान की तरफ बढ़ता हुआ बोला। ऐना ने काशिप जेरी की बात सुनकर एकदम सर उठाया और पूरी आँखें खोले वो रूहान को देखने लगी, जो काशिप जेरी के हाथ से पिस्टल उठा रहा था। रूहान? ऐना रूहान को छोड़कर बेयकीनी से उसे देखती हुई बोली। वो रोना भूल कर रूहान को बिना पलकें झपकाए देखने लगी। रूहान ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ करके ऐना की पेशानी पर पिस्टल रखी। ऐना ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो अपनी इज्जत को पामाल होते तो नहीं देख सकता था, शायद उसे ख़त्म करना बेहतर था। रूहान के हाथ लरजने लगे। फिर वो जी कर क्या करेगा? रूहान ने ऐना की पेशानी से पिस्टल हटाकर अचानक पिस्टल का रुख काशिप जेरी की तरफ किया। ना ही मैं इसको यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ और ना ही मार सकता हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। यह अपने भाई से या किसी से भी कुछ नहीं बोलेगी। मैं आप पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा सर। प्लीज़ मुझे अपनी बीवी को यहाँ से ले जाने दें। रूहान ने पिस्टल का रुख काशिप जेरी की तरफ किया हुआ था। दूसरे हाथ से ऐना को अपनी तरफ खींचकर अपने हसार में लेता हुआ बोला। ऐना एक बार फिर उसके सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। ये तुम सही नहीं कर रहे हो रूहान। ब्लैक किंग तो गलती के बाद किसी को एक मौका नहीं देता, जबकि हफ्ते पहले तुम्हारे घर से हमारी एक लड़की भाग गई थी। काशिप जेरी गुस्से में रूहान को देखता हुआ याद दिलाने लगा। यकीनन वो फरवा की बात कर रहा था। ऐना रूहान के सीने से लगी सोचने लगी। वो मकरूह चेहरे वाला काशिप जेरी आज ऐना को उसका चेहरा देखकर खौफ आ रहा था। वो उसको देखने की बजाय रूहान के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए थी। सर, आपको इस बार भी मुझे माफ़ करना पड़ेगा। कल शिप के ज़रिए जो आगे डिलीवरी होनी है, उसका अपनी मंजिल पर पहुंचना आपके लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐना की मौजूदगी में रूहान काशिप जेरी को कोड वर्ड्स में लड़कियों के मुतल्लिक आगाह करने लगा, जिनका कल शिप के ज़रिए दूसरे मुल्क पहुंचना बहुत ज़रूरी था, वरना काशिप जेरी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता। रूहान की बात सुनकर काशिप जेरी पेचो ताप खाकर रह गया। वो इस वक्त ना रूहान से बिगाड़ सकता था, ना ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता था। अगर किसी भी तरह की ऊंच नीच हुई या शक के दायरे में मेरा नाम आया तो रूहान याद रखना, मैं अपना नफ़ा नुकसान का सोचे बिना तुम्हें, तुम्हारी फैमिली समेत। काशिप जेरी अधूरी बात छोड़कर रूहान को देखने लगा। आप मुतमईन हो जाएं, आप पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। रूहान ने पिस्टल अपने हाथ पर रखकर काशिप जेरी की तरफ बढ़ाई और उसे यकीन दिलाता हुआ ऐना को वहां से लेकर निकल गया। कल रात वो काफ़ी लेट आगोल को वापस घर लेकर आया था। उसकी ऐना या रूहान से मुलाकात नहीं हो सकी थी। मंसूर से 10 मिनट बातें करके फातिमा के हाथ की बनी हुई चाय पीकर वो आगोल को वापस घर लेकर आ गया। घर आने के बाद आगोल बेड पर उसके बराबर में लेटी हुई काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही, मगर जहांगीर का दिमाग रूहान पर अटका हुआ था। कल उसकी शिप पर लड़कियां दूसरे मुल्क स्मगल होनी थीं। रूहान की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ होगा जहांगीर वो सब कुछ सोच रहा था। उसे खबर नहीं हुई कब आगोल उसके सीने पर सर रख कर सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जहांगीर भी नींद की वादियों में चला गया। नींद में जहांगीर ने बेड पर हाथ रखा तो आंखें बंद किए आगोल को अपने हाथ से तलाशने लगा। आगोल बेड पर अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। जहांगीर ने दूसरी तरफ करवट लेकर सामने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। पिछले 4 माह से वो अक्सर उसे ऐसे ही योगा करता हुआ देखता आ रहा था। इस वक्त वो फर्श पर सजदे की हालत में लेटी हुई थी, जबकि अपने दोनों हाथों को उसने बिल्कुल स्ट्रेट फर्श पर रखा हुआ था। चंद मिनट गुजरने के बाद वो दोनों हाथों को आधे धड़ के साथ आहिस्ता से मूव करती हुई लेफ्ट साइड पर ले जाने लगी। फिर सजदे वाली पोजीशन में वापस आई और थोड़ी देर बाद इसी तरह अपने हाथों और अपनी बॉडी को मूव करती हुई राइट साइड पर लेके जाने लगी। जहांगीर खामोशी से उसे योगा करते हुए देख रहा था। जहांगीर ने नोट किया था वो स्लिम होने के बावजूद अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी। अब वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई थी। उसकी पुश्त जहांगीर की तरफ थी। अब वो जैसे ही दोबारा लेफ्ट साइड पर मूव करने लगी, जहांगीर ने साइड टेबल से आगोल के नोट्स के ऊपर रखा हुआ पेन उठाया और अपनी बीवी का निशाना लिया।
वो जो पूरी तवज्जो से योगा कर रही थी, अचानक कोई चीज़ उसकी बैक पर लगी जिससे उसका रब टूटा। वो सीधी होकर पलट कर सामने बेड पर लेटे हुए जहांगीर को देखने लगी, जो कि चेहरा बिल्कुल संजीदा किए हुए मगर आंखों में शरारत भरे उसी को देख रहा था। आगोर खामोशी से चलती हुई उसके पास आई। ये क्या था? पेन को वापस नोट्स के ऊपर रखती हुई वो अपनी कमर पर हाथ रखकर जहांगीर से उसकी थोड़ी देर पहले वाली हरकत के बारे में पूछने लगी। तुम्हें अपने पास बुलाने का तरीका? जहांगीर ने बेड पर लेटे लेटे आगोर के हाथ उसकी कमर से हटाते हुए खुद उसको कमर से पकड़कर अपने ऊपर गिराया। क्या कर रहे हैं? नाश्ता बनाना है मुझे। वो आगोल को अपने हसार में ले चुका था। आगोल उसका इरादा भांपती हुई जल्दी से बोली, ये तुम्हारी मम्मा के हाथ की बनी हुई चाय का नतीजा है। अब उनको बता देना आपके दामाद पर उस करामाती चाय का असर हो गया है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि आप बहुत जल्द नानी बन जाए। जहांगीर आगोल का चेहरा देखकर जितनी संजीदगी से बोला था, जहांगीर की बात सुनकर आगोल की आंखें हैरत से बाहर आईं। यानी आप उस दिन मम्मा और मेरी बातें सुन रहे थे? आगोल जहांगीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाती हुई पूछने लगी। जहांगीर मुस्कुराहट छुपाता हुआ आगोल को देखने लगा। मैंने उसके बाद जाहिदा की खूब क्लास ली थी और उसे खबरदार किया था कि आइंदा मम्मा को उल्टी सीधी जगहों पर लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो वो पानी भी मम्मा से लेकर ज़ाया कर चुकी हूँ। आगोल फातिमा की पोजीशन क्लियर करती हुई जहांगीर से बोली, न जाने वो उसकी मम्मा के बारे में क्या सोच रहा है। जहांगीर आगोल को अपने करीब कर चुका था। जहांगीर आप न जाने क्या सोच रहे होंगे। आगोल के बोलने पर जहांगीर ने सर उठाकर उसे घूर कर देखा। क्या तुम खामोश रह सकती हो थोड़ी देर के लिए? जहांगीर सीरियस होकर आगोल से पूछने लगा तो आगोल खामोश हो गई। अब आगोल को अंदाज़ा होने लगा वो फातिमा को जल्द नानी बना देगा। महसूर कुन लम्हात को चंद पल ही गुजरे थे। जहांगीर कंफर्टर के अंदर लेटा हुआ था जबकि आगोल बेड से उतरने लगी। जहांगीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। आज क्या घर पर ही दिन गुजारने का इरादा है आपका? एक तो उससे फौरन जहांगीर से नज़रें नहीं मिलाई जा रही थीं, फिर जहांगीर के देखने पर वो मज़ीद उसे नज़रें मिलाए बगैर बोली, तुम बताओ आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम कर दूँ। जहांगीर बेड पर लेटा हुआ उसके बालों में अपनी उंगलियाँ फंसाए संजीदगी से आगोल को देख कर पूछने लगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आज आप सारा दिन घर में गुजारेंगे। शर्मीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए आगोल ने जहांगीर के सीने पर सर रखकर कहा तो जहांगीर ने उसे अपने बाजुओं के हल्के में भर लिया। ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है, आज का पूरा दिन तुम बेड से नीचे नहीं उतरोगी, आज हम यूं ही एक दूसरे के करीब रहेंगे। जहांगीर की बात सुनकर आगोल ने उसके सीने से सर उठाकर घूरते हुए जहांगीर को देखा। नाश्ता बनाने जा रही हूँ मैं। उसके सीने पर पंच मारती हुई वो बेड से उठ गई। जहांगीर उसको बेडरूम से निकलता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा। नाश्ता बनाने के दौरान वो यही सोच रही थी कि जहांगीर जब उसके करीब होता था तो कितनी शिद्दत झलकती थी उसके अंदाज में। क्या वो मोहब्बत भी उससे इतनी शिद्दत से ही करता है? अगर ऐसा है तो फिर वो इजहार क्यों नहीं करता? आगोल अपनी सोचों में गुम नाश्ता तैयार करके टेबल पर रखने लगी तब उसने जहांगीर को यूनिफॉर्म में रूम से बाहर निकलते हुए देखा। ये क्या बात हुई? थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप अपना सारा दिन मेरे नाम करने वाले हैं। उसको यूनिफॉर्म में देखकर आगोल का अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ था। हाँ, मगर मैंने एक शर्त भी रखी थी जो तुमने पूरी नहीं की। जहांगीर मायनी खेजी से कहता हुआ उसे याद दिलाने लगा और चेयर खिसका कर बैठा। जहांगीर मैं सीरियस हूँ, आप आज कहीं नहीं जा रहे, आज का सारा दिन आप मेरे साथ गुजारेंगे। वो आगोल का माइंड बना चुका था, इसीलिए अब उसका पुलिस स्टेशन जाना आगोल को बुरा लग रहा था। उस वक्त मैं भी बहुत सीरियस था, तुम्हें बेड से नहीं उतरना चाहिए था, जहांगीर ने बोलते हुए नाश्ता शुरू कर दिया। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी, अब बाहर निकल के दिखाएं मुझको ज़रा। आगोल अब ज़िद पर आ गई थी, उसका मूड ख़राब हो चुका था। वो चाहती थी आज का दिन जहांगीर उसके साथ गुजारे, वो जहांगीर से अपने लिए उसकी फीलिंग्स जानना चाहती थी। जहांगीर के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनने की कितनी तमन्ना थी उसकी। आगोल अब ज़िद नहीं, ज़रूरी काम है, जल्दी आ जाऊँगा। जहांगीर ने जब उसको ज़िद करते देखा तो ख़ुद भी थोड़ा सख्त होकर बोला। वैसे तो इस वक्त उसका इरादा कहीं भी जाने का नहीं था,
शाम में ही उसे रोहान की शिप पर जाना था, लेकिन थोड़ी देर पहले एसएसपी सैफुल्ला की कॉल उसके मोबाइल पर आई थी और उन्होंने बताया था कि उसे फौरी तौर पर डीआईजी साहब ने तलब किया है काशिफ जेरी के केस के मुतालिक जानने के लिए, क्योंकि कमिश्नर साहब के किसी और शहर के ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आ गए थे और उनकी जगह जिस कमिश्नर को तैनात किया गया था वो ईमानदार था। बहुत मुमकिन था कि अब काशिफ जेरी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अच्छा सुनो मेरी बात, बाहर गेट पर गार्ड मौजूद है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। वैसे तो पूरे घर की मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ देखो अगोल मेरी तरफ देखो, मैं शाम तक घर जल्दी आ जाऊँगा। जहांगीर के सख्त लहजे में बोलने के बाद वो बेध्यानी से उसकी बात सुन रही थी, इसीलिए आखिरी जुमला बोलते हुए जहांगीर ने उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया और प्यार से बोला, शाम में क्या आपको ज़रूरत ही नहीं है आज घर आने की। आगोल अपने चेहरे से जहांगीर के हाथ हटाकर बेडरूम में चली गई। जहांगीर लंबा सांस खींचकर कलाई पर बंधी हुई घड़ी में टाइम देखता हुआ घर से बाहर निकल गया। 150 के करीब तादाद में लड़कियों को रोहान ने अपनी निगरानी में शिप में मौजूद कमरे के तहखाने में मुंतकिल करवाया था। 10 मिनट के बाद शिप को अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना था। जुनेद थोड़ी देर पहले ही उसके पास गया था। रोनी, मुझे इस शिप की तलाशी लेनी है। रोहान का मुंह शिप की तरफ था, उसने मुड़ कर देखा तो उसे पीछे जहांगीर को खड़ा देखा। एक पल के लिए उसे हैरत का शदीद झटका लगा, मगर दूसरे ही पल उसे ऐना पर गुस्सा आया। क्या है मेरी शिप में जो तुम्हें तलाशी लेनी है, यानी तुम होते कौन हो तलाशी लेने की बात करने वाले। वो अपना गुस्सा छुपाए बगैर काफ़ी बदतमीज़ी से जहांगीर से बोला, ये तो तुम्हें भी मालूम है कि क्या है इस शिप में, और इस यूनिफॉर्म में मुझे देखकर तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारी शिप की तलाशी लेने वाला। जहांगीर रोहान को उसी के अंदाज में जवाब देता हुआ शिप की तरफ बढ़ने लगा। वो सीधा हेड क्वार्टर से यहाँ आ रहा था, जबकि शकील पुलिस वैन में थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाला था। रुको जैरी, ये किसी ऐरे गैरे का शिप नहीं है जो तुम इसकी तलाशी लो। जहांगीर ने शिप की तरफ कदम बढ़ाए तो रोहान फौरन बोला। जहांगीर ने मुड़कर रोहान को देखा, सर्च वारंट लेकर आया हूँ मैं। जहांगीर ने अपनी पॉकेट से पर्चा निकालते हुए कहा, जिससे एक पल के लिए रोहान के चेहरे का रंग बदला। क्या मैं देख सकता हूँ? रोहान के कहने पर जहांगीर ने अपने हाथ में मौजूद पर्चा उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे खोलकर रोहान पढ़ने लगा। ओके, तुम तलाशी ले सकते हो। रोहान ने पर्चा फोल्ड करके जहांगीर की तरफ बढ़ाया। जहांगीर शिप की तरफ जाने लगा, तभी रोहान ने दूर से ही इशारा करके शिप स्टार्ट करने का हुक्म दिया। जहांगीर शिप से 8 से 10 कदम दूर था, तब अचानक शिप स्टार्ट होगी। रोनी, शिप को फौरन रुकवाओ। जहांगीर गुस्से में रोहान को देखता हुआ बोला, शिप नहीं रुकेगी। जहांगीर जितने गुस्से में था, रोहान ने भी उतनी ही संजीदगी से कहा, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, मैं तुमसे हर रिश्ता भूलकर तुम्हारे खिलाफ फिर कोई सख्त एक्शन लूँगा। जहांगीर रोहान को देखकर चीखता हुआ बोला, बहुत आसान लग रहा है मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना, चलो ये भी करके देख लो। रोहान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो जहांगीर ने पिस्टल निकालकर उसके माथे पर रखा। शिप वापस बुलाओ, इट्स माई ऑर्डर। जहांगीर का उसी वक्त मोबाइल बजने लगा, जिसे वो नज़रअंदाज करता हुआ रोहान से बोला। रोहान को अंदाज़ा नहीं था कि वह उस पर पिस्टल भी रख सकता है। रोहान ने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला, शिप वापस लेकर आओ। रोहान अपने मोबाइल पर बोलता हुआ जहांगीर को देख रहा था। जहांगीर ने अभी भी अपना पिस्टल उसके माथे पर रखा हुआ था। जहांगीर का मोबाइल दोबारा बजने लगा। उसने रोहान के माथे पर पिस्टल रखे हुए दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला। उस वक्त वो अगोल की कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था, मगर न जाने क्यों आंसर कर बैठा। जल्दी बोलो। जहांगीर ने पिस्टल रोहान के माथे पर रखी हुई थी, उसका सारा फोकस भी उसी के ऊपर था, मगर आगोल की घबराई हुई और रोती हुई आवाज़ ने उसका दिमाग मोबाइल पर लगा दिया। जहांगीर, ये लोग मालूम नहीं कैसे घर के अंदर आ गए, प्लीज़ मुझे बचा लें, ये लोग मुझे ले जाएंगे, मुझे कहीं नहीं जाना, बहुत डर लग रहा है मुझे। वो मुसलसल रोती हुई बोल रही थी। जहांगीर का सांस रुकने लगा। वो अपनी पिस्टल वापस रखकर बिना रोहान को कुछ भी कहे बर्क रफ्तारी से अपनी कार की तरफ भागा था। अगोल, कहाँ पर हो तुम, मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। जहांगीर की बात भी मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि अगोल ने कॉल काट दी थी या फिर किसी ने उससे मोबाइल छीन लिया था।
वो उस वक्त दूसरी कोई भी बात नहीं सोचना चाहता था, बस जल्द अज जल्द अगोल के पास पहुंचना चाहता था। अगर उसके घर में कोई हथियार लेकर दाखिल हुआ था तो उसके मोबाइल पर अलार्म क्यों नहीं बजा, जबकि घर की मॉनिटरिंग भी हो रही थी। गार्ड उस वक्त कहाँ था? कार ड्राइव करते हुए सारे सवाल जहांगीर के दिमाग में आने लगे। वो कार तेज़ी से ड्राइव करने लगा, साथ ही अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उसने अपने बेडरूम का व्यू चेक करने चाहा तो स्क्रीन ब्लैक थी। शायद कैमरा हटा दिया गया था या फिर ऑफ कर दिया गया था। उसका दिल और दिमाग अगोल की तरफ था, इसीलिए उसका ध्यान बटा और सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हुई, मगर वो सामने वाले का नुकसान देखे बिना अपनी कार भगा ले गया। वो सुबह उससे नाराज़ थी, उसे रोकना चाहती थी और वो उसे मनाए बगैर, बात किए बगैर घर से निकल गया था। सामने इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर उसे नहीं दिखा और कार बुरी तरह उछली। बहुत मुश्किलों से उसने घर तक का रास्ता तय किया था। घर के सामने गाड़ी खड़ी करके पिस्टल हाथ में पकड़े गेट पर आया, जहां गार्ड मौजूद था। यहां बैठे क्या कर रहे हो? घर में कौन आया था? गार्ड पर चीखता हुआ जहांगीर गुस्से में बोला। सर, कोई नहीं आया था, काम वाली रानी आई थी। गार्ड उसे गुस्से में देखकर कुर्सी से खड़ा होकर बताने लगा। मैडम कहाँ है? जहांगीर पूछता हुआ रुका नहीं था, बल्कि घर के अंदर दाखिल हो चुका था। उसे अपने पीछे से गार्ड की आवाज़ सुनाई दी। मैडम तो सुबह से ही घर के अंदर मौजूद हैं। वो लाउंज के अंदर दाखिल हुआ तो बेडरूम से तेज़ म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। जहांगीर बेडरूम में पहुँचा तो उसकी नज़र बेड पर बैठी हुई अगोल पर पड़ी, जो प्याले में भरे स्वीट कॉर्न खा रही थी। उसने LED पर नज़रें जमाई हुई थी। जहांगीर की नज़र कैमरे पर पड़ी, जिस पर काले रंग का कपड़ा पड़ा हुआ था। जहांगीर ने अपना पिस्टल वापस रखा। अगोल मुस्कुराती हुई उसके पास आई। मना किया था आपको आ जाने से, देखा कैसे ड्रामा करके बुलाया। अगर अब दोबारा? अगोल की बात मुकम्मल होने से पहले ही जहांगीर ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अगोल फर्श पर जा गिरी। अब अगर दोबारा तुमने कभी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा अगोल, जहांगीर उसको देखकर गुस्से में कहता हुआ बेडरूम से बाहर निकल गया। आज उसका शायद तकदीर ने साथ दिया था, तभी वो अपने काम में कामयाब हुआ था। अगर जहांगीर उन लड़कियों को बाजियाब करवा लेता तो काशिफ ज़ेरी उसकी फैमिली को नहीं छोड़ता, मगर वो अभी तक सोच में था कि जहांगीर को ये खबर किसने दी थी। ऐना के मोबाइल पर आने और जाने वाली कॉल का उसे फौरन मालूम हो जाता। रोहान ने घर से बाहर होने के बावजूद उसकी हर हरकत पर नज़र रखी हुई थी। शिप को वापस बुलाने के बाद वो जहांगीर से पिस्तौल छीनने ही वाला था, तब जहांगीर के पास किसी की कॉल आई, जिसे सुनकर जहांगीर थोड़ा परेशान हो गया और वहां से एकदम चला गया। जिस किसी की भी कॉल उसके मोबाइल पर आई थी, एक तरह से रोहान का भला ही हो गया था। शिप को दोबारा रवाना करने के बाद वो काशिफ ज़ेरी के पास पहुँचा। काशिफ ज़ेरी उससे बहुत खुश था। वो काशिफ ज़ेरी को अपनी वफ़ादारी का मज़ीद यकीन दिलाकर उसके पास से अब घर आया था। रोहान घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने फातिमा को अपने बेडरूम से निकलते देखा। फातिमा के हाथ में सूप का प्याला मौजूद था। रोहान का दिमाग ऐना की तरफ गया, मगर फातिमा रोहान को देखकर मुस्कुरा रही थी। इतनी देर कर दी ऑफिस से आने में, तुम जानते हो आज मैं और तुम्हारे डैडी बहुत खुश हैं, खबर ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर तुम भी खुश हो जाओगे, फातिमा रोहान के पास आकर खुशी से बोली। वो वाकई खुश नज़र आ रही थी। खैरियत, ऐसी कौन सी खबर है? रोहान फातिमा को देखता हुआ पूछने लगा। कल से उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किल हो गई थी, उसका दिमाग उलझनों से भरा हुआ था। ऐसे में भला वो क्या अंदाज़ा लगाता कि उसकी माँ किस बात पर इतना खुश है। नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है हमारे घर में, मैं दादी बनने वाली हूँ। उफ़ मेरे खुदा, मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ। इसी दिन का इंतज़ार था मुझे, जब यह खबर मुझे ऐना सुनाई। अभी उसे लेडी डॉक्टर के पास से लेकर आ रही हूँ, फातिमा कितनी खुशी से उसे बता रही थी। रोहान के चेहरे से उलझनों का जाल ख़त्म हुआ और उसके तासुरात नॉर्मल हुए। और ऐना, वो कैसी है, खुश है वो? खुश तो वो भी बहुत था इस खबर को सुनकर, मगर कल उसका राज खुलने के बाद उसके और ऐना के दरमियान फासला आ गया था, जो ना जाने कैसे सिमटता, मगर यह खबर वाकई खुशी की थी। उसने सोचा वो अब ऐना और अपने दरमियान सारे फासले समेट लेगा। क्यों खुश नहीं होगी वो? माँ बनने से बड़ी कोई खुशी होती है भला औरत के लिए? डॉक्टर ने कहा है अपनी बहू का बहुत ख्याल रखना है आपने, अब तुम भी अपनी मसरूफियत को कम करो, घर जल्दी आया करो। अभी सूप लाया है मैंने उसे अपने हाथों से, थोड़ी देर बाद मेडिसिन देनी है उसे। है जाने फातिमा
और कौन कौन सी नसीहतें करती हुई उसे ऐना का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली गई थी। मगर रूहान का जहन कल रात वाले वाक्य की तरफ चला गया। वो अलकिंग होटल से ऐना की इज्जत और जान बचाकर उसे वापस लाया था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा वो अपनी इज्जत और जान बचाकर ऐना को वापस लाया था। वो जितनी ज़्यादा वहाँ पर खौफजदा थी और रो रही थी, घर आने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। शायद उसे रूहान की असल हकीकत जानने के बाद सदमा पहुँचा था। जब भी वो बेड पर बैठकर बिना कुछ कहे खाली नज़रों से रूहान को देख रही थी तो रूहान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो ऐना के सामने बैठकर आंसुओं के ज़रिए अपना दिल हल्का करने लगा। जब उसके आंसू नहीं थमे और दिल का बोझ मज़ीद बढ़ने लगा तो वो ऐना की गोद में अपना सर रखकर बेतहाशा रोया। मगर ऐना वैसी की वैसी पत्थर बनी बैठी रही। आज सुबह रूहान के ऑफिस जाने के टाइम पर वो रोज़मर्रा की तरह नहीं उठी थी। रूहान ने देखा वो जाग रही थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं, मगर वो बेड पर लेटी हुई छत को घूर रही थी। पर वो उसे कुछ भी बोले बगैर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। शायद चंद दिन तक उसे यूं ही सदमे में रहना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वह खुद नॉर्मल हो जाती। मगर थोड़ी देर पहले फातिमा ने जो खबर उसे सुनाई थी, रूहान को लगा यह खबर उन दोनों के दरमियान आई दूरी को मिटा देगी। रूहान खुश था, जाहिर बात थी वो बाप बनने वाला था। इस दिन का उसने कितना इंतज़ार किया था, कितना कुछ अपनी औलाद के बारे में सोचा था, ऐना से शेयर किया था। वो सब जानती थी, उसे सब याद होगा, वह खुद ऐना को याद दिलाएगा। रूहान मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो आगोल पर गुस्सा निकाल कर दूसरे कमरे में आ गया था। उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। आज उसकी बीवी के बचपने की वजह से शिप में मौजूद लड़कियों की बड़ी तादाद को वो बचा नहीं पाया था। जब जब जहांगीर इस बात को सोच रहा था उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। उसे इस तरह आगोल का मजाक करना बहुत नागवार गुजरा था। आज उस बेवकूफ लड़की के इस तरह कॉल करने से वो कितना परेशान हो गया था। दो बार उसका खुद का एक्सीडेंट होते होते बचा था और वो कितने मज़े से उसकी जान हलकान करके पॉपकॉर्न खाती हुई म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। जहांगीर ने वापस हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट नहीं की थी, बल्कि कॉल पर ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो शिप से लड़कियों को बाजियाब नहीं करवा सका। मगर SSP सैफुल्ला के मुताबिक नेवी ऑफिसर्स को रूहान की शिप के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था। नेवी का शिप रूहान के शिप में से मौजूद लड़कियों को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाता है तो सुबह तक मुमकिन था कि रूहान के खिलाफ गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट इशू हो जाएं। गिरफ्तार होने के बाद यकीनन उसकी कमर पर मौजूद टैटू को देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम को बिठाया जाता और फिर वो टीम अपने तरीके से रूहान से इन्वेस्टिगेशन करती। अगर ऐसा हुआ तो ये केस आगे जाके उसके हाथ में नहीं रहेगा। बात बहुत आगे निकल गई थी। उसे नहीं मालूम था जब वो कल सुबह रूहान को अरेस्ट करेगा तो कौन कौन उससे नाराज़ होगा। जहांगीर की आंखों के सामने मंसूर, फातिमा, ऐना, आगोल सबके चेहरे आने लगे, मगर वो रिश्तों के चक्कर में अपने फ़र्ज से गद्दारी करके रूहान को नहीं बचा सकता था। नहीं तो कल ना जाने कितनी और लड़कियों और बच्चों के आगे भी ज़िंदगी बर्बाद होती। उसे मालूम था मंसूर को इस खबर से बहुत बड़ा धचका पहुँचेगा, फातिमा उससे बुरी तरह नाराज़ होंगी, ऐना को भी उससे ढेर सारे शिकवे हो जाएंगे। बहुत मुमकिन था कि वो भी फातिमा की तरह उससे नाराज़ हो जाए, और उसकी अपनी बीवी अगोल वो तो शायद अभी से उससे नाराज़ थी। गुस्से के बावजूद जहांगीर का दिल चाहा वो अगोल को मना ले। आज जहांगीर के हाथों अपनी क्लास होने के बाद वो बेडरूम से बाहर नहीं निकली थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। खाना तो उसने यकीनन नहीं बनाया होगा, जहांगीर सोचता हुआ किचन में आया। शेल्फ पर मौजूद 3 से 4 डिशेज़ के ढक्कन हटाए तो जहांगीर को अफसोस होने लगा। सुबह उसके घर से निकलने के बाद शायद अगोल ने सारे उसके मनपसंद खाने बनाए थे। वो आज का सारा दिन उसके साथ गुजारना चाहती थी, तभी उसने जहांगीर को बहाने से बुलाया था। ये सब कुछ सोचते हुए जहांगीर का रहा सहा गुस्सा भी झाग बनकर बैठ गया। अपने बेडरूम में अगोल के पास जाने से पहले मोबाइल पर अगोल के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करने लगा। वो अपने बेडरूम में आया तो ऐना बेड पर लेटी हुई थी। ऐना ने रूहान की तरफ देखा। रूहान उसे स्माइल देता हुआ ऐना के पास आया। वो अभी भी खामोश नज़रों से लेटी हुई उसी को देख रही थी। रूहान उसके पास आकर बेड पर बैठा। बेड पर रखा हुआ ऐना का हाथ थाम कर रूहान ने अपने होठों से लगाते हुए अपने गाल पर रखा, जबकि अपना दूसरा हाथ ऐना के पेट पर। मुझे मम्मा ने अभी बताया, रियली मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो ना मुझे क्या चाहिए,
रोहान अपने गाल से उसका हाथ दोबारा अपने होठों तक लाया। उसके हाथ को दोबारा चूमता हुआ ऐना को देखने लगा। वो अभी भी खामोशी से रोहान को देख रही थी। एक शरारती सा बेटा बिल्कुल मेरी तरह का और एक मासूम सी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह की। रोहान मुस्कुराकर ऐना को देखता हुआ बोला और झुक कर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे। ऐना ने रोहान को आहिस्ता से पीछे हटाया। अगर आपके शरारती बेटे और मासूम बेटी को उस बेरहम इंसान ने उन्हीं बच्चों के साथ अपने पास कैद कर लिया फिर आप क्या करेंगे रोहान? ऐना रोहान को देखती हुई सर्द लहजे में पूछने लगी। ऐना? रोहान ने फौरन उसके पेट से अपना हाथ हटाया और चीख कर ऐना को गुस्से में देखने लगा। साफ मालूम हो रहा था जैसे ऐना की बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्सा आ गया मेरी बात सुनकर आपको? आप गुस्सा कर सकते हैं क्योंकि आप उन लोगों को जानते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं अगर बात आपकी औलाद के ऊपर आए। मगर जिन माँ बाप के बच्चे उन जालिमों के कब्जे में मौजूद हैं रोहान, वो माँ बाप तो बेबसी का ही इजहार कर सकते हैं और कुछ नहीं। आपने कभी उनके दर्द को महसूस किया? कभी नहीं, क्योंकि आप अब बाप के मर्तबे पर फाइज होने जा रहे हैं। अब आप जानेंगे औलाद को दुनिया में लाना जितना आसान होता है, उसकी परवरिश करना उतना ही मुश्किल। फिर अचानक आपकी औलाद यूं ही किसी दिन आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाए तो क्या गुजरती है आप पर? ऐना उठकर बैठी और रोहान को देखती हुई बोली, इस कंडीशन में डॉक्टर ने मना किया है किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने से। अब तुम्हें खुश रहना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ओके? रोहान उसकी बात सुनने के बाद ऐना को देखता हुआ बोला, खुशी का ताल्लुक दिल से होता है। मेरा दिल खुश नहीं है आपकी हकीकत जानने के बाद, मैं कैसे खुश रहूँ आप मुझे बताएं? ऐना रोहान को देखती हुई सवाल करने लगी। न जाने क्यों उसने ऐना की बातों से नसीहत नहीं ली थी या फिर उन लोगों की तरह अपना दिल पत्थर कर लिया था जिनके साथ उसका ताल्लुक था। ऐना, कल जो भी हुआ, जो कुछ तुमने देखा, वो सब तुम्हें ख्वाब समझकर भूलना पड़ेगा। सब कुछ एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो, हमारे आने वाले बच्चे के बारे में। रोहान आराम से ऐना का हाथ थाम कर उसे समझाने लगा तो ऐना ने उससे फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, कितनी आसानी से आप कह रहे हैं रोहान, इतना आसान है सब कुछ भूलना? इस हकीकत को ख्वाब समझना, ये एक कड़वी हकीकत है जिसे चाहकर भी मैं ना भुला सकती हूँ ना फरामोश कर सकती हूँ। आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मेरी खातिर, अपने बच्चे की खातिर। प्लीज़ उन लोगों से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लें। ऐना रोहान का चेहरा थाम कर उसे प्यार से समझाती हुई बोली, पर रोहान ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए। ऐसे लोगों से ताल्लुक ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता, मार डालेंगे वो तुम्हें, मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरी बहन को। रोहान को अब उसको समझाते हुए गुस्सा भी आने लगा। वो कितनी आसानी से उसे ये सब कुछ छोड़ने का मशवरा दे रही थी। अगर ये सब कुछ छोड़ना इतना आसान होता तो वो बहुत पहले इस दलदल से निकल चुका होता जिसमें वो अब बुरी तरह फंस चुका था। ओह, तो आपको बुरे कामों से डर नहीं लगता बल्कि मरने से डरते हैं आप? नहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मेरा इंतखाब एक बुज़दिल और डरपोक इंसान है, ऐना रोहान को बोलती हुई बेड से उठने लगी। रोहान ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दोबारा बेड पर बिठाया और ख़ुद खड़ा हो गया। हाँ हूँ मैं बुज़दिल इंसान, और हर वो इंसान बुज़दिल और डरपोक होता है जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, जो चाहता है कि उसकी फैमिली सेफ रहे। ये तुम नहीं समझोगी और अब हमारी इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी, अंडरस्टैंड? रोहान तकरीबन गुस्से में चीखता हुआ बोला और कमरे से निकलने लगा। मैं एक डरपोक और बुज़दिल इंसान के साथ नहीं रह सकती रोहान, मैं खुद भी बहुत कमज़ोर और बुज़दिल लड़की हूँ, मुझे शौहर अपने जैसा नहीं चाहिए। रोहान के बाहर जाते कदम रुके वो मुड़कर ऐना को देखने लगा जो उसी को देख रही थी। रोहान चलता हुआ ऐना के पास आया और उसका बाजू पकड़कर उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाने लगा। नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ तो निकलो मेरे कमरे से, गेट आउट। रोहान ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर ऐना को धक्का दिया। कमरे के अंदर आती फातिमा ने ऐना को थामा। ये क्या बदतमीजी है रोहान, होश में तो हो तुम, जानते नहीं हो इसकी कंडीशन? फातिमा रोहान का सलूक देखकर गुस्से में उससे बोली। वो ऐना को मेडिसिन देने आई थी, दिमाग खराब हो गया है इस बेवकूफ़ का, ले जाए इसे अपने साथ यहाँ से, रोहान फातिमा को कह रहा था मगर गुस्से में देख वो ऐना को रहा था। ऐना खुद भी मलामती नज़रों से रोहान को देखने लगी। सही है, मैं लेकर जा रही हूँ इसे, तुम अपना दिमाग दुरुस्त रखो, बिल्कुल एहसास नहीं है आजकल के लड़कों को, कितना मुश्किल मरहला होता है ये औरत के लिए, चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में। फातिमा रोहान को सुनाती हुई ऐना को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। जहांगीर बेडरूम में आया
तो अंगोल खामोशी से सोफे पर बैठी हुई थी। जहांगीर को कमरे में आता देखकर वो कमरे से बाहर निकलने लगी। जहांगीर उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा हो गया। अंगोल उसे नज़रअंदाज करती हुई दूसरी साइड से निकलने लगी, मगर जहांगीर दोबारा उसकी राह में हायल हुआ। अंगोल जहांगीर के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देती हुई पीछे हटाने लगी, मगर जहांगीर अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हटा, बल्कि उसने अंगोल को आराम से अपने हसार में ले लिया। छोड़े मुझे, नाराज़ हूँ मैं आपसे, आई हेट यू, अंगोल उसके हसार में मचलती हुई बोली और अपना आप उससे छुड़वाने लगी। मगर जहांगीर के आगे उसकी ज़रा बराबर भी नहीं चली। वो उसको बाहों में भरता हुआ बेड तक ले आया था। बहुत बुरे हैं आप जहांगीर, आपको ज़रा भी एहसास नहीं होता गुस्से में मेरा। जहांगीर उसे बेड पर बिठाकर उस पर झुकने लगा तो अंगोल रोती हुई उसे पीछे हटाकर बोली, तुमने एहसास किया मजाक करते वक्त मेरा? एक पल को सोचा जो तुम मजाक मुझसे कर रही हो उससे मुझ पर क्या गुजरी होगी? जानती हो क्या हालत हो गई थी मेरी, क्या क्या ख्यालात आ रहे थे दिमाग में, यहाँ तक कि कैसे पहुँचा था मैं? दो बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। अच्छा होता कि एक्सीडेंट में मर जाता और बुरे इंसान से तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए जान छूट जाती। अंगोल उसके होठों पर अपना हाथ रख चुकी थी, मगर वो अंगोल का हाथ अपने होठों से हटाकर अपना जुमला मुकम्मल करता हुआ बोला, आपके साथ आज का दिन गुजारना चाहती थी इसीलिए मजाक कर लिया, मगर मुझे नहीं मालूम था कि उसके सिले में चमाट मिलेगा मुझे। अंगोल अभी भी उससे शिकवा करती हुई बोली। जहांगीर बेड पर अपने दोनों हाथ रखता हुआ अपना चेहरा अंगोल के करीब लाया, मुझे चमाट मारकर तुम भी अपना बदला उतार लो। जहांगीर अंगोल का गाल नरमी से अपने होठों से छूता हुआ बोला, मैं क्यों मारूं आपको चमाट? आप खुद मारें अपने आप को ताकि आपको मालूम हो कि कितना सख्त और भारी हाथ है आपका। अंगोल की बात सुनकर जहांगीर उसके गाल को नरमी से छूने लगा, माफ़ी नहीं मिल सकती क्या? सॉरी। जहांगीर वाकई शर्मिंदा लग रहा था। अंगोल ने पहले उसकी पॉकेट से वॉलेट निकालकर अपनी पॉकेट मनी लेकर साइड टेबल पर रखी, फिर अपना गला खंखारती हुई बोली, मुझसे मोहब्बत का इजहार करें और ये बताएं कि मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ। अंगोल ने इतना सीरियस होकर कहा कि जहांगीर को हंसी आ गई। मोहब्बत का इजहार और अपनी तारीफ, ये सुननी है तुम्हें मुझसे? सीरियसली यार, ये काम तो मुझे नहीं आता। जहांगीर उसके बराबर में बैठकर उसे साफ इनकार करता हुआ बोला, जिस पर अंगोल उसे घूरने लगी, ये काम नहीं आता तो क्या काम करना आता है आपको? अंगोल का मूड दोबारा ख़राब हो गया। उसका कितना दिल था जहांगीर उससे मोहब्बत का इजहार करे और उसकी तारीफ करे। वही काम आता है जो सुबह करके गया था, बल्कि अभी भी अच्छे से वही कर सकता हूँ, जहांगीर बोलता हुआ अंगोल को फिर से अपने हसार में लेने लगा। अंगोल ने उसे पीछे धकेला, बेशक हमारी लव मैरिज नहीं हुई, मगर मुझे अपने लिए आपके मुँह से इकरार सुनना है। मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ कि जो आप मेरे लिए रखते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ। अंगोल को बोलते हुए अफसोस होने लगा, उसे अपने शौहर से अपनी तारीफ बोल कर करवानी पड़ रही थी। जहांगीर सर खुजाता हुआ सोच में पड़ गया कि कैसे इस टास्क को पूरा करे। उसका अंदाज देखकर अंगोल गुस्से में बेड से उठकर कमरे से जाने लगी तो जहांगीर ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और बेड से उठा। अच्छा रुको तो यार, कर रहा हूँ ना तारीफ, सुनो तो, आई लव यू, सच्ची वाला लव हो गया है तुमसे अब, तुम बहुत खूबसूरत हो, यानी मुझे बहुत प्यारी लगती हो, ठीक है ना यार, अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। जहांगीर ने जैसे इजहार मोहब्बत करके और उसकी तारीफ करके अपना टास्क पूरा किया और मासूम शक्ल बनाता हुआ उसे देखने लगा। अंगोल ने उसे ऐसे देखा जैसे मुतमईन नहीं हुई, शायद वो इस मामले में ठुस था, इसीलिए ठीक है कहती हुई कमरे से निकलने लगी। तभी जहांगीर ने उसे पुश्त से अपने हसार में लिया। जान हो तुम मेरी, मेरी नज़रों से, मेरे अंदाज से, मेरे अमल से अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि कितनी अच्छी लगती हो तुम मुझे, कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। जहांगीर ने बोलते हुए अंगोल का रुख अपनी तरफ किया तो अंगोल ने मुस्कुरा कर जहांगीर को देखा और अपना सर जहांगीर के सीने पर रख दिया। जहांगीर ने लंबा सांस खारिज किया और शुक्र अदा किया कि वह थोड़ा बहुत ही सही अपनी बीवी को मुतमईन कर चुका था। इतने में इंटरकॉम की आवाज़ आई। अंगोल जहांगीर की तरफ देखने लगी, पिज्ज़ा मंगवाया था तुम्हारे लिए, वही आया होगा, चलो डिनर करते हैं, जहांगीर उसे बताता हुआ रूम से लेकर जाने लगा। डिनर से पारी होकर जहांगीर ने अंगोल से ढेर सारी बातें की, उससे प्रॉमिस लिया कि वो आइंदा ऐसा मजाक दोबारा कभी नहीं करेगी, उसे अपनी जॉब की कंडीशन बताई। चाहकर भी वो रूहान के बारे में उससे कुछ भी शेयर नहीं कर सका,
बस वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ हसीन पल बिताना चाहता था अच्छी बातें करके। आगोल ने उससे दी जान को वापस लाने के लिए बोला, जिसे वो फिलहाल टाल गया। दी जान को वो खुद भी बहुत मिस कर रहा था, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि वो फौरन उन्हें नहीं ला सकता था। रात को सोते वक्त आगोल उसके सीने पर सर रख कर ना जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी और उसके बालों में वो उंगलियां फेरता हुआ कल सुबह के बारे में सोच रहा था। जब वो रोहान को अरेस्ट करेगा तब उसका और आगोल का रिश्ता उससे किस कदर मुतासिर होगा। सुबह के 9 बज रहे थे। वो रात भर सो नहीं पाया था क्योंकि ऐना उससे खफा थी। वो कल रात से फातिमा के कमरे में मौजूद थी। आधे घंटे पहले उसे ये बुरी खबर मिली थी कि नेवी के एक जहाज़ ने उसकी शिप को आगे जाने से रोक दिया था और शिप की चेकिंग के दौरान लड़कियों को बाजियाब करवा लिया था। शिप में मौजूद उसके साथी पुलिस की हिरासत में थे। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसको अंदाज़ा था कि पुलिस कभी भी उसको अरेस्ट करने आ सकती है, इसीलिए मुस्तरिब अंदाज में कमरे में टहलता हुआ सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। यकीनन ये खबर काशिफ जेरी को भी मिल गई होगी, वो भी पहली फुर्सत में यहाँ से बाहर निकलने की करेगा। रोहान ने वार्डरोब से सफरी बैग निकालकर अपने कपड़े और ज़रूरत की चंद चीज़ें डालने के बाद कुछ अमाउंट बैग के अंदर रखी और ड्रेस चेंज करने चला गया। उसका इरादा फ़िलहाल चंद माह के लिए रूपोश होने का था। हालात और मामला देख कर वो घर वालों से बाद में कॉन्टैक्ट करेगा। रोहान सोचता हुआ हॉल में पहुंचा तो डाइनिंग टेबल पर मंसूर, फातिमा और ऐना पहले से ही मौजूद थे। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, मतलब ये हाथ में बैग क्यों लिया हुआ है तुमने, मंसूर रोहान को देखता हुआ पूछने लगा। फातिमा और ऐना भी उसी को देखने लगीं। ऐना की कल रात भी पिछली रात की तरह बेचैनी में ही गुजरी थी, शायद अब उसकी हर रात ऐसे ही गुजरनी थी। वो रोहान को देखती हुई सोचने लगी, डैडी मैं अभी ये नहीं बता सकता कि कहाँ जा रहा हूँ, मगर मुझे अभी जाना होगा, मैं चंद दिनों बाद आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, रोहान मंसूर को देखकर मुतमईन करता हुआ बोला। ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम यूँ अचानक कैसे जा सकते हो, फातिमा रोहान की बात सुनकर परेशान होकर उससे सवाल करने लगी। लड़ाई तो हर मियाँ बीवी में होती थी, भला घर इस तरह कौन छोड़ कर जाता था। ममा इस वक्त मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे निकलना है, प्लीज़ ऐना का और अपना ख्याल रखिएगा, मैं इंशाल्लाह जल्द आपसे बात करूँगा, वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। वो अब ऐना की तरफ देखने लगा जो खामोशी से रोहान को ही देख रही थी, क्योंकि अब कहने को उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। रोहान चलता हुआ ऐना के पास आया, अपना बहुत ख्याल रखना, रोहान ऐना का चेहरा देखता हुआ कहने लगा। उसका दिल अंदर से बहुत दुखा था। वो जानता था इस कंडीशन में ऐना को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, मगर वो अभी मजबूर था, उसके पास नहीं रुक सकता था। मगर मामला थोड़ा ठंडा होते ही वो ऐना को फौरन अपने पास बुला लेगा। रोहान सोचता हुआ मंसूर और फातिमा की आंखों में अपने लिए ढेर सारे सवालात छोड़कर हॉल से निकला। अभी वो गेट पर पहुंचा भी नहीं था तब पुलिस के साथ जहांगीर यूनिफॉर्म में मौजूद घर के अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर रोहान के हाथ में सफरी बैग नीचे गिर गया। तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है मेरे पास, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जहांगीर रोहान के सामने खड़ा होकर बेहद संजीदगी से बोलने लगा। कि क्या कह रहे हो बेटा, आखिर हुआ क्या है, तुम इसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो, क्या किया है इसने, मंसूर फातिमा और ऐना भी हॉल से बाहर आ चुके थे। मंसूर जहांगीर को देखता हुआ पूछने लगा, अंकल पिछले एक साल से आपकी शिप में इल्लीगल तरीके से बच्चों और लड़कियों को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जा रहा था, मतलब ये कि उनकी स्मगलिंग करता रहा है ये, कल आपकी शिप पर से 150 लड़कियों को बाजियाब करवाया गया है, इस पर अब पूरा पूरा केस बन चुका है। जहांगीर ने सब कुछ सच सच मंसूर फातिमा और ऐना को बता दिया, क्योंकि अब रोहान के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती सबको सब कुछ तो मालूम होना ही था। जहांगीर की बात सुनकर मंसूर और फातिमा जैसे सन्नाटे में आ गए थे, जबकि ऐना की आंखों से नमी आंसुओं की सूरत बाहर निकलने लगी। रोहान ने गुस्से में जहांगीर को देखा और अचानक उसे धक्का देता हुआ घर के अंदर की तरफ भागा ताकि बैक डोर से फरार हो सके। इस वक्त उसका यहाँ से भागना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उसके भागने पर जहांगीर ने पिस्टल का रुख उसके पैर की जानिब करके फायर किया। भाई, ऐना खौफ के मारे बेइख्तियार चीखी थी, जबकि फातिमा बुलंद आवाज़ में रोने लगी। रोनी, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, वहीं रुक जाओ, अगर तुमने दोबारा कोई अहमकाना हरकत की तो मुझे मजबूरन अब की बार कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जहांगीर ने फायर मार्बल पर उसके पाँव के पास किया था, जिस पर रोहान रुककर
सरेंडर कर चुका था। जहांगीर ने पिस्टल का रुख अब रोहान की तरफ किया। असलम, हथकड़ी लगाओ। जहांगीर के सख्त अल्फाज मंसूर, फातिमा और ऐना के दिल पर तेज छुरी की मानंद चले। वो खुद कौन सा खुश था। बेशक रोहान से उसकी कभी नहीं बनी थी, मगर ये दिन भी उसकी ज़िंदगी में आएगा ऐसा जहांगीर ने सोचा नहीं था। बेटा, ये अगोल का भाई होने के साथ साथ तुम्हारा बहनोई भी है। फातिमा ने जब रोहान को हथकड़ी लगाते देखा तो रोती हुई जहांगीर को उसका दोहरा रिश्ता याद करवाने लगी। आंटी, मैं फ़र्ज़ के आगे मजबूर हूँ। जो अमल उसने किए हैं वो गैर कानूनी ही नहीं, गैर अखलाकी भी हैं। आप अभी समझ नहीं सकती, मैं आपको समझा नहीं सकता। जहांगीर फातिमा को देखता हुआ बोला, फिर ऐना को देखने लगा। फातिमा और ऐना दोनों ही इस वक्त रो रही थीं। रोहान को पुलिस वैन में बिठाने लगे। तब जहांगीर खामोश खड़े मंसूर के पास आया। उनके ढलके हुए कंधे पर अपने हाथ से दबाव डालता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो जानता था इस वक्त फातिमा, मंसूर और ऐना को जज्बाती सहारे की ज़रूरत होगी, मगर वो यहाँ नहीं रह सकता था। उसे अपनी ड्यूटी अंजाम देनी थी। रोहान को इस वक्त पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर लेकर जाना था, जहाँ उससे पूछगछ के लिए बाकायदा तफ्तीशी टीम बिठाई गई थी। ये जहांगीर के लिए भी मुश्किल मरहला था, मगर उसे जज्बात की बजाय होश से काम लेना था। जहांगीर के वहाँ से निकलने के बाद फातिमा ने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, जबकि मंसूर बिल्कुल खामोश खड़े थे। ऐना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त फातिमा को संभाले या फिर मंसूर को या अपने आप को। एक कठिन वक्त उसके साथ साथ रोहान की फैमिली पर भी आना था, मगर इतनी जल्दी आएगा ये उसे मालूम नहीं था। मंसूर, अभी वो सोच ही रही थी जब फातिमा के चीखने पर ऐना ने मंसूर को देखा, जो कि फर्श पर गिर चुके थे। रोहान की हथकड़ी खोलकर उसे एक कमरे में ले जाया गया था, जहां दीवारों पर दो जगह पर कैमरे नस्ब थे। उस कमरे में सेंटर में एक टेबल और तीन चेयर्स मौजूद थीं। रोहान के चेयर पर बैठने के बाद उसके सामने दो आदमी आकर बैठे और उन दोनों ने रोहान से सवालात का सिलसिला जारी किया, जिसके जवाब में ज़्यादातर रोहान ने यही बोला कि वो इन चीज़ों से लाइल्म है। यहाँ तक कि उसने शिप से बरामद होने वाली लड़कियों के बारे में भी लाइल्मी का इजहार किया। साथ ही उसने उन लोगों को ये भी बताया कि उसका काशिफ ज़ेरी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। उन दोनों आदमियों को कमरे से गए हुए अभी चंद मिनट हुए थे, तब जहांगीर उसके पास कमरे के अंदर आया और उसके सामने चेयर पर बैठा। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। चंद सेकंड की खामोशी को जहांगीर की आवाज़ ने तोड़ा। देखो रोनी, अगर तुम हर बात में लाइल्मी का इजहार करोगे, इस तरह ना तुम बच सकते हो ना ही काशिफ ज़ेरी को बचा सकते हो, और काशिफ ज़ेरी को बचाने के चक्कर में ये भी हो सकता है कि तुम खुद उल्टा फंस जाओ। तुम्हारा उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना ज़रूरी है। अभी तुमसे सीधे तरीके से सवालात किए गए हैं, इसके बाद ये लोग तुमसे दूसरे तरीके की कार्रवाई करेंगे, मतलब तुम्हें पुलिस रिमांड में लिया जाएगा और सब कुछ उगलवाया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, प्लीज़ तुम तावुन करो। तुम्हारे तावुन से और गवाही से हम काशिफ ज़ेरी तक पहुँच सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हर मुमकिन तौर पर तुम्हारा साथ दूँगा, तुम्हें इस मुश्किल से निकालने में, तुम्हें बचाने में। मैंने SSP सैफुल्ला से कहकर आगे तक तुम्हारे लिए बात की है, प्लीज़ तुम काशिफ ज़ेरी के कॉन्टैक्ट्स और उसकी खुफिया जगह के बारे में बताओ, जहाँ काशिफ ज़ेरी उन मज़लूम लड़कियों और बच्चियों को रखता है, और उसके दूसरे सारे कारनामों के बारे में भी। जहांगीर बहुत नरमी से बात करता हुआ रोहान को समझा रहा था। जहांगीर की बात मुकम्मल होने पर रोहान अपने दोनों हाथ टेबल पर रख कर चेहरा आगे करता हुआ बोला, जब मैंने कह दिया है मैं नहीं जानता काशिफ ज़ेरी को, तो तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो मुझसे? इस तरह अपनी मर्ज़ी की बातें उगलवाओगे तुम लोग? अगर तुम लोगों को उस काशिफ ज़ेरी पर शक है तो डायरेक्ट जाकर उसको पकड़ो और उसी से पूछगछ करो। रोहान गुस्से में जहांगीर को देखता हुआ बोला। जहांगीर खामोशी से उसे देखने लगा। वो जहांगीर के मुंह पर झूठ बोल रहा था कि वो काशिफ ज़ेरी को नहीं जानता, वजह कमरे में मौजूद कैमरे या फिर काशिफ ज़ेरी का खौफ था। तुम ये अच्छी तरह जानते हो, उस पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते जब तक कोई वाजिया और ठोस सबूत ना हो। रोनी, बहुत अच्छा होता कि तुम मुझसे तावुन करते। अब आगे जब तुम्हारा रिमांड होगा तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूँगा, पुलिस तुमसे अब सब कुछ अपने तरीके से ही उगलवाएगी। जहांगीर उसको बोलता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था, जबकि रोहान को भी अंदाज़ा था अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मगर फिर भी वो काशिफ ज़ेरी के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलकर अपनी बीवी, बहन या अपने माँ बाप की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। वो
अपना सर पकड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। मंसूर को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। सुबह रूहान को जहांगीर गिरफ्तार कर गया था, ये खबर आगोल पर बिजली बंद कर गिरी थी। वो अपना मोबाइल हाथ में लिए बिल्कुल शॉक्ड होकर बैठी थी। फातिमा ने रोते हुए उसे कॉल की थी और ये सारी बातें बताई थी। साथ में ही उसने ऐना की प्रेगनेंसी के बारे में भी जिक्र किया था, मगर ये खुशी की खबर तो कहीं दब ही गई थी। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। उसको किसी भी तरह मंसूर के पास हॉस्पिटल पहुंचना था। आखिर जहांगीर ऐसा कैसे कर सकता था उसके भाई के साथ? वो रात को उससे कितनी देर तक अच्छे मूड में बातें करता रहा था और सुबह भी उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। आगोल उठकर ड्रेस चेंज करने चली गई ताकि हॉस्पिटल जा सके, जहाँ मंसूर के साथ फातिमा और ऐना भी मौजूद थी। सर, बुरी खबर यह है कि नेवी के कुछ ऑफिसर्स ने रूहान की शिप को पकड़ लिया है और शिप में मौजूद तमाम लड़कियों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया है। रूहान को आज सुबह ही पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। कल रात काशिफ जेरी ने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वो दोपहर तक नशे में धुत पड़ा था। उसके होश में आते ही जुनेद ने उसे ये मनहूस खबर सुनाई, जिसे सुनते ही काशिफ जेरी को शदीद गुस्सा आया। ये तो बहुत बुरी खबर है जुनेद, बहुत बुरा हुआ। रूहान की बीवी ने बहुत गलत किया है। इससे पहले रूहान का मुँह पुलिस के आगे खुले और वो मेरा राज फाश करे, उसको जेल में ही ख़त्म करवा दो। उस एसपी ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। उसकी बहन और बीवी दोनों को उठाकर यहाँ ले आओ, काशिफ जेरी जुनेद को हुक्म देता हुआ बोला। रूहान अब उसके किसी काम का नहीं था, बल्कि उसका ज़िंदा रहना काशिफ जेरी के लिए ख़तरे का सबब बन सकता था। उसे गुस्सा आने लगा। उसने क्यों रूहान की बीवी को वहाँ से जाने दिया? उससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे जहांगीर पर आया। एसपी जहांगीर, तुझे तो मैं ऐसी अज़ियत दूंगा कि अपनी बहन और बीवी का हशर देखकर सिर्फ और सिर्फ तू अपने लिए मौत की दुआ मांगेगा खुदा से, काशिफ जेरी गुस्से में जहांगीर को मुखातिब करता हुआ बोला। रूहान ने उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया था, जिसकी बिना पर जहांगीर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे सुबह से शाम हो चुकी थी। रूहान के लिए कभी किसी ऑफिसर के पास जाकर बात करते हुए तो कभी किसी के पास जाकर सिफारिश करते हुए, वो बिना रूहान के ताबुन के उसके लिए भाग दौड़ कर रहा था। ऐना की उसके पास 2 बार कॉल भी आई थी, जिसे वो अटेंड नहीं कर पाया था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे, तब उसने ऐना का मैसेज पढ़ा जो काफ़ी देर पहले आया हुआ था, जिसे पढ़कर उसे काफ़ी अफसोस हुआ। मैसेज मंसूर के बारे में था। वो अपनी कार में बैठकर फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो गया। मंसूर को ICU रूम में रखा गया था। उसकी हालत अब ख़तरे से बाहर थी। डॉक्टर्स ने चंद घंटे गुजरने के बाद उन्हें रूम में शिफ्ट करने को कहा था। ICU में ज़्यादा देर तक ठहरने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए फातिमा और ऐना सुबह से हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में मौजूद थीं। आगोल भी दोपहर में उन दोनों के पास आ गई थी। वो तीनों अपनी अपनी जगह खामोश बैठी थीं। फातिमा हाथ में तस्बीह पकड़े आँखों में आंसू लिए मुसलसल अल्लाह से दुआ गोती। कल तक वो कितनी खुश थी, मगर आज का दिन उनके लिए ऐसा कयामत बरपा होगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनका बेटा जेल में था और शौहर बिस्तर पर। ऐना ने आगोल के आने से पहले ही फातिमा को असल हकाइक बताए थे। रूहान शिप में क्या स्मगल करता था, जिसे सुनकर वो एक पल के लिए सकते में आ गई थी। अब उन्हें जहांगीर पर कोई गुस्सा नहीं था, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। आगोल से उन्होंने कोई बात नहीं की थी, ना ही ऐना ने उसे कुछ भी बोला था। वो तीनों ही खामोश बैठी अपनी अपनी सोचों में गुम थी, तभी अस्पताल के रूम का दरवाज़ा खुला। तीनों की नज़रें रूम से अंदर आते जहांगीर पर गईं। वो थोड़ी देर पहले अस्पताल पहुंचा था। मंसूर को ICU में देखता हुआ डॉक्टर से उनकी कंडीशन पूछने के बाद तमाम तफसीलात लेता हुआ अब वो ऐना के बताए गए रूम में आया था, जो कि उसने मैसेज पर बताया था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही वो सबसे पहले फातिमा के पास आया था। आंटी, आप परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फातिमा रोती हुई उसको देखने लगी तो वो उनको तसल्ली देता हुआ कहने लगा। मामा को अपने शौहर के अलावा अपने बेटे की भी टेंशन है जहांगीर, उसका क्या? आगोल जहांगीर को देखती हुई बोली, तो जहांगीर समेत फातिमा और ऐना भी आगोल को देखने लगी, जिसके चेहरे के तासुरात और लहजा साफ बता रहा था कि वह जहांगीर के इस इकदाम पर उससे खफा है। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मस्बत राह निकल जाए, जहांगीर आगोल को देखता हुआ बोला, मगर उसने बाकी वहाँ पर मौजूद फातिमा और ऐना को भी इत्मीनान दिलाया था। अगर आप कोई राह निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भाई को अरेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी? एक दफ़ा आपको ख्याल नहीं आया डैडी का, मम्मा का, मेरा, यहाँ तक कि अपनी बहन का?
ऐना कहीं ख्याल कर लेते आप, जिस मरहले से आपकी बहन गुजर रही है इसमें तो हर लड़की को अपने शौहर की जरूरत होती है। अगोल सोफे से उठकर जहांगीर को देखती हुई बोली। उसकी आखिरी बात पर जहांगीर ने बुरी तरह चौंक कर ऐना को देखा, जो आंखों में नमी छुपाने के लिए अपना चेहरा नीचे झुका चुकी थी। अगोल खामोश हो जाओ। अगोल के बिगड़े हुए तेवर देखकर फातिमा उसे टोकती हुई बोली, क्यों खामोश हो जाऊं? ये कैसे मेरे भाई के साथ ऐसा कर सकते हैं? अगोल फातिमा से पूछती हुई आंखों में शिकवा लिए जहांगीर को देखने लगी। जहांगीर फातिमा के पास से उठकर अगोल के सामने आकर खड़ा हुआ। रोनी को मैं नहीं तो कोई और गिरफ्तार कर लेता, उसे शौकिया गिरफ्तार नहीं किया है मैंने, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था स्मगलिंग का। छोटे मासूम बच्चों को और लड़कियों को गैर कानूनी तौर पर अपनी शिप में दूसरे ममालिक में भेजता था वो। जहांगीर ने उसे गुस्से में देखकर हकीकत से आश्ना करना चाहा, जिस पर फातिमा एक बार फिर रोने लगी और ऐना खामोश बैठी रही, जबकि अगोल बेयकीनी से जहांगीर को देखने लगी। भाई ऐसा नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकती, ज़रूर किसी ने फंसाया है उन्हें, अगोल हकीकत से इनकार करती हुई बोली, तो जहांगीर को भी उसे समझाना बेकार लगा, इसीलिए वो वापस फातिमा की तरफ मुड़ा। आंटी, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, वो अंकल की कंडीशन को देखकर ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ इस वक्त रुकना गैर ज़रूरी है, आप और ऐना सुबह से यहाँ पर मौजूद होंगी, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर पर चलें। जहांगीर फातिमा के थकन ज़्यादा चेहरे को देखकर बोला। इससे पहले उसने कभी फातिमा की ऐसी कंडीशन नहीं देखी थी, वो हमेशा हशाश पशाश नज़र आती थी। नहीं बेटा, घर को तो ऐसे खुला हरगिज़ नहीं छोड़ सकती, तुम परेशान मत हो, ज़ाहिदा मौजूद है घर पर और मैंने ड्राइवर को भी रोक लिया है। फातिमा की बात सुनकर जहांगीर को अंदाज़ा हो गया कि वो अपने ही घर जाएंगी, तब वो अगोल को देखने लगा। अब इस कंडीशन में मम्मा को तो अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ सकती जहांगीर, मैं मम्मा के साथ जा रही हूँ। अगोल जहांगीर के देखने पर उससे बोली। जहांगीर को लगा वो अभी भी उससे नाराज थी। मेरा भी दिल बहल जाएगा अगर अगोल मेरे साथ होगी तो। जहांगीर अगोल के रवैये से कहीं उससे खफा ही ना हो जाए, फातिमा जहांगीर को देखकर बोली, आप मेरे साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, मैं सुबह हॉस्पिटल आ जाऊँगा और सारी सिचुएशन देखकर आपको इन्फॉर्म करूँगा, आंटी और ऐना का ख्याल रखना, जहांगीर फातिमा को देखता हुआ बोला। आखिरी जुमला उसने अगोल को देखकर कहा, जो चेहरे पर नाराज़गी सजाए खड़ी थी। मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ भाई, ऐना की आवाज़ पर जहांगीर समेत फातिमा और अगोल उसे देखने लगी। फातिमा और अगोल ड्राइवर के साथ घर जा चुकी थीं, तब जहांगीर ऐना के पास आकर सोफे पर बैठा। तुम भी नाराज़ हो मुझसे? जहांगीर के पूछने पर ऐना जहांगीर को देखने लगी, जो उसी को देखकर पूछ रहा था। मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती, ऐना ने जहांगीर के कंधे पर सर रखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में थकन साफ मालूम हो रही थी, जो जहांगीर महसूस कर सकता था। और फिर उसकी कंडीशन, खाना खाया तुमने? जहांगीर ऐना की फ़िक्र करता हुआ उससे पूछने लगा। जी, अगोल लेकर आई थी। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे भाई? ऐना जहांगीर के कंधे से सर उठाकर उससे पूछने लगी, तो जहांगीर ऐना को देखने लगा। ऐना? रूहान ने अपने सामने ऐना को देखकर बेसाख्ता ऐना का नाम पुकारा। वह नम आँखों के साथ रूहान की आँख के पास जख्म का निशान और उसके सूजे हुए गाल को देख रही थी। रूहान चलता हुआ ऐना के करीब आया, बहुत करीब, मगर उन दोनों के दरमियान सुलाखें देखकर रूहान का दिल दुखने लगा। ऐना का भी हाल उससे मुख्तलिफ ना था। थोड़ी देर पहले वो जहांगीर के सामने रो पड़ी थी, ये बोलते हुए कि वो उसे रूहान से मिला दे। जहांगीर ने बहुत कोशिश की, तब जाकर 5 मिनट मुलाकात की इजाज़त मिली थी। ऐना ने रोते हुए उसकी आँख के पास जख्म को छूना चाहा। दर्द नहीं हो रहा? रूहान उसकी आँखों में नमी देखकर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। मुझे हो रहा है, बोलते हुए ऐना की आंखों से आंसू निकलकर गाल पर आए। रूहान सुलाखों से अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर उसके आंसू साफ करने लगा। तुम जानती हो ना, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, रूहान उसको नरमी से समझाने लगा। मम्मा, डैडी, अगोल सब ठीक है? रूहान की पूछने पर ऐना ने इकरार में सर हिलाया। वो चाहकर भी मंसूर की कंडीशन रूहान को नहीं बता पाई। ऐना, यहाँ देखो, मेरी बात बहुत गौर से सुनो, मुझसे वादा करो जो मैं बोलूँगा मेरी बातें मानोगी। रूहान उसकी आंखों में आंसू देखकर अपनी तकलीफ भूल चुका था, क्योंकि घंटे भर पहले उसे कुर्सी पर बांध कर डंडों से मारा गया था उससे सारे राज उगलवाने के लिए, मगर रूहान ने काशिफ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला था। अब तुम्हें हमारे बच्चे का ख्याल खुद रखना होगा और उसके लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। प्लीज़ अब यहाँ दोबारा मत आना
और तुम जैडी को कोई भी बात नहीं बताओगी परसों रात वाली। एना रोहान की बात सुनकर हैरत से उसे देखने लगी। वह उसे यहाँ आने के लिए मना कर रहा था, साथ ही जहांगीर को वह सब बताने के लिए मना कर रहा था जो उसे परसों रात इल्म हो चुका था। रोहान, इस तरह तो सब बहुत गलत होगा, एना ने बोलना चाहा तो रोहान उसके होठों पर अपनी उंगली रख गया। गलत तब होगा जब तुम उसे बताओगी। पुलिस उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर तुम्हारे कुछ भी बोलने से मम्मा, डैडी और आगोल के साथ तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। मैंने तुमसे किए हुए वादे सही से नहीं निभाए, मगर तुम्हें ये प्रॉमिस पूरा करना है, हमारे बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना है, और अब यहाँ दोबारा मत आना। आखिरी बात उसने खुद बहुत मुश्किल से बोली। बोलते हुए रोहान का गला रुंध गया था, जबकि ऐना को एक बार फिर रोना आने लगा। वो सुलाखों से सर टिका कर रोने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था, खटके की आवाज़ से अगोल की आँख खुली। उसने बेड पर लेटे हुए अपना मोबाइल उठाया, जहाँ पर जहांगीर की मिस्ड कॉल शो हो रही थी। रात में वो यकीनन घर पहुँचने के बाद आगोल को कॉल मिला रहा था, मगर थकन के बाइस आगोल जल्दी सो चुकी थी। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर चहल पहल की आवाज़ से उसने अंदाज़ा लगाया कि फातिमा जाग रही थी। वो बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली, मगर जैसे ही फातिमा के कमरे में पहुँची, मम्मा, फातिमा का मुंह और हाथों को रस्सियों से बांधकर उसे कुर्सी पर बिठाया गया था। आगोल हैरत से कहती हुई फातिमा के पास आने लगी। फातिमा मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती हुई मुंह से आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो आगोल को अपने पास आने से मना कर रही हों। आगोल फातिमा के पास पहुंची ही थी कि किसी ने पीछे से उसकी नाक पर रुमाल रख दिया। सुबह के 6 बज रहे थे। उसका मोबाइल मुसलसल बजे जा रहा था। हेलो, नींद से भरी आंखों से मोबाइल देखता हुआ जहांगीर फातिमा की कॉल रिसीव करने लगा, मगर जैसे जैसे फातिमा उसे रो रो कर आगोल के बारे में बता रही थी, वैसे वैसे जहांगीर के होश उड़ते गए। वो फौरन उठकर बैठा। थोड़ी देर पहले ही जाहिदा फातिमा के कमरे की लाइट ऑन देखकर उसके कमरे में आई थी। रस्सियों से बंधे फातिमा के हाथ और मुँह जाहिदा ने खोले तो फातिमा ने रोते हुए जहांगीर को जल्दी से कॉल करके आगोल के बारे में बताया। इसके साथ अब आगे क्या होने वाला था वो इस बात से बेखबर था। काशिफ जेरी को उसके बारे में इल्म हो चुका होगा, वो कोई आम बंदा नहीं, उसका ख़ास बंदा था। मालूम नहीं काशिफ जेरी इस मामले में उसकी किस हद तक मदद करता। बहुत जब्त और बर्दाश्त करके उसने पुलिस की मार खाई थी और अपना मुंह काशिफ जेरी के खिलाफ नहीं खोला था। वो अपनी फैमिली को लेकर फिक्रमंद था। उसके पीछे अगर उसकी फैमिली को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और नाइट ड्यूटी करने वाला स्टाफ नींद में मशगूल था, मगर वह 2 घंटे से जागा हुआ था। एक अजीब सी घबराहट उसे मुसलसल हो रही थी, जिसके बायस नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शायद जेल की 4 दीवारी और यहाँ मौजूद मच्छरों की वजह से वो बेचैन था। रोहान का ख्याल ऐना की तरफ चला गया। वो कल उससे मिलने आई थी, उसकी हालत देख कर रो रही थी। रोहान ने कभी नहीं सोचा था वो ऐना से शादी करने के बाद जाने अनजाने में उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा। उसने ऐना को बहुत चाहा था, शादी से पहले भी और बाद में भी, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था शादी के बाद उसकी और ऐना की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। ऐना जिस मरहले में दाखिल हो चुकी थी, जिस स्टेज से वो अब गुजरेगी, वो जानता था ऐना को उसकी कितनी ज़रूरत होगी, मगर वो बेबस और लाचार हो गया था। कल जब जहांगीर उसके पास आया तो रोहान का दिल चाहा वो उसे काशिफ जेरी के सारे खुफिया राज और कॉन्टैक्ट्स बता दे, और साथ में ये भी कि उसने किस तरह छुप कर जब जब उससे मुमकिन हुआ जहांगीर की कैसे कैसे मदद की, मगर यहाँ आकर भी वो बेबस था और मजबूर, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर। वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। रोहान सारी बातें सोच रहा था तब लॉकअप का दरवाज़ा खुला। रोहान ने हैरत से आने वाले को देखा। वो इंस्पेक्टर इदरीस था। रोहान ने उसे काशिफ जेरी के पास काफ़ी बार देखा था, शायद वो उसके लिए काशिफ जेरी का कोई पैगाम लेकर आया हो। 24 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ जेल में बंद हुए, अभी तक काशिफ सर ने मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लिया। क्या मुझे तुम लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम लोगों का खास बंदा हूँ? रोहान इंस्पेक्टर इदरीस को देखता हुआ बोला। शायद उसकी रिहाई का कोई ज़रिया बन गया था। रोहान अंदर ही अंदर खुश भी हुआ। एक्शन का ही वक्त है सर जी, मुझे काशिफ साहब ने यहाँ ख़ास आपके लिए भेजा है,
मगर पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने पुलिस के गुंडों के डर से क्या कुछ उनके सामने उगला है। इंस्पेक्टर इदरीस रोहान के पास आता हुआ उससे पूछने लगा। मैंने बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोला है। काशिफ सर से कहो वो बेफिक्र रहें और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकालने का इंतज़ाम करें। रोहान इदरीस को देखता हुआ बोला तो इदरीस हंसने लगा। आपने अपना मुंह बंद रखा, ये आपने बहुत अच्छा किया। और काशिफ साहब ने मुझे यहाँ हमेशा के लिए आपका मुंह बंद करने के लिए भेजा है। इदरीस ने बोलते हुए अपनी जेब से हथकड़ी निकाल कर रोहान के दोनों हाथ एकदम बांध दिए। यह अमल इतनी अचानक हुआ था कि रोहान को अपनी दिफा में कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। ये गलत है, मैंने काशिफ से हमेशा वफादारी की है, जाकर उसे याद दिलाओ, वो इंस्पेक्टर इदरीस को चीखता हुआ बोला। इदरीस अपनी पॉकेट से सिरिंज निकाल कर उसे भरने लगा, जिसे देखकर रोहान की आंखें फैल गईं। ये जहरीला इंजेक्शन आपकी वफादारी का ही सिला है सर जी, काशिफ साहब ने आपको इस दुनिया से भेजने का इंतज़ाम किया है। इंस्पेक्टर इदरीस सिरिंज रोहान की गर्दन के करीब लाया, तभी इदरीस का पीछे से किसी ने गिरेबान पकड़ा और उसे पीछे दीवार की तरफ धक्का दिया। किसकी परमिशन से अंदर आए हो तुम? इंस्पेक्टर इदरीस को पीछे धक्का देने के बाद जहांगीर इदरीस से पूछता हुआ मजीद उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इदरीस ने हाथ में मौजूद सिरिंज जहांगीर के कंधे पर पेवस्त करना चाही, मगर उससे पहले जहांगीर उसकी कलाई मजबूती से पकड़ चुका था। जहांगीर ने झटके से इदरीस का सिरिंज वाला हाथ मड़ोड़कर कमर तक ले गया। सिरिंज इदरीस के हाथ से नीचे गिर गई। लॉकअप में होने वाले शोरगुल सुनकर इंस्पेक्टर आलिम और एक सिपाही भागता हुआ लॉकअप के अंदर आए और इदरीस को काबू किया। उतारो इसके जिस्म से ये वर्दी और बंद करो इसको, जहांगीर गुस्से में चीखता हुआ बोला। इंस्पेक्टर आलिम इदरीस को पकड़ता हुआ लॉकअप से बाहर ले गया। रोहान अब तक शॉक्ड के आलम में बैठा हुआ था। जहांगीर ने गुस्से में रोहान को देखा और लब भींच कर रोहान के पास आते हुए उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठाया और अपने सामने खड़ा किया। रोनी मुझे बताओ, काशिफ जेरी इस वक्त कहाँ मिलेगा? आगोल उस कमीने के कब्जे में है, अगर आगोल को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जहांगीर रोहान का गिरेबान पकड़कर चीखता हुआ बोला। आगोल काशिफ जेरी के कब्जे में है, रोहान बेयकीनी से जहांगीर को देखता हुआ बोला। क्लोरोफॉर्म की ज्यादती की वजह से 4 घंटे होने को आए थे, मगर आगोल को होश नहीं आया था। वो लोग ऐना को किडनैप नहीं कर सके थे क्योंकि वो जहांगीर के घर पर थी। काशिफ जेरी आगोल को ही देखकर खुश हो गया था। आगोल को होश में लाने के लिए बाल्टी भर पानी उसके ऊपर फेंका गया, तब एकदम उसकी आंखें खुली। ये एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था जहां पर 8 से 10 मर्द मौजूद थे जो उसी को देख रहे थे। आगोल का सोया हुआ जहन बेदार होना शुरू हुआ। वो तो फातिमा को देखकर आगे बढ़ रही थी, तब शायद आगोल ने अपने हाथ खींचने की कोशिश की, जिससे उसको अंदाज़ा हुआ कि उसके दोनों हाथ जंजीरों से ऊपर की तरफ बांधे गए थे। अपने हाथ बंधे देखकर साथ में इतने सारे अजनबी चेहरे देखकर उसे खौफ आने लगा। अनजान चेहरों में एक और चेहरा भी उसे नज़र आया, जिसे देखकर उसे अजीब वहशत होने लगी। काशिफ जेरी चलता हुआ आगोल के पास आया। हुस्न का तो दीवाना है ब्लैक किंग, और तुम ठहरी हुस्न की मलका, बोलो तुम्हारे हुस्न को किस खराज से नवाजूं? काशिफ जेरी आगोल के सामने आकर खड़ा हुआ और बोलता हुआ वो आगोल के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। उसके छूने से आगोल को कराहियत महसूस हो रही थी। जब वो अपना हाथ आगोल की गर्दन पर लाया तो आगोल की बर्दाश्त ख़त्म हुई। उसने बेसाख्ता काशिफ जेरी के मुंह पर थूक दिया, जिससे एक पल के लिए उसका हाथ आगोल की गर्दन पर रुक गया, मगर दूसरे ही पल उसने आगोल की गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। आगोल बेबस थी और बुरी तरह मचल रही थी, क्योंकि काशिफ जेरी की उंगलियां उसकी गर्दन में बुरी तरह गड़ रही थीं। आगोल को लगा अब उसकी आँखें बाहर आ जाएंगी, तब काशिफ जेरी ने उसकी गर्दन छोड़ी। वो बुरी तरह खांसने लगी। बहुत नादान हो तुम, और ब्लैक किंग बहुत ज़ालिम, वह हर खूबसूरत लड़की को उसकी नादानी की सख्त तरीन सज़ा देता है, काशिफ जेरी ने बोलते हुए अपने एक आदमी को इशारा किया। वो दीवार पर लगे हुए पहिए को गोल घुमाने लगा। आगोल जो कि पहले ही खौफजदा थी, वो अपने वजूद को ऊपर हवा में उठता हुआ देखकर मज़ीद परेशान होने लगी। जैसे जैसे वो पहिया घूमे जा रहा था, वैसे वैसे उसके हाथ में बंधी हुई जंजीरें उसे ऊपर की तरफ खींचे जा रही थीं। आगोल को खौफ के मारे रोना आने लगा। अभी वो अपनी किस्मत का मातम भी नहीं कर पाई थी कि काशिफ जेरी ने उस पहिए के बराबर में मौजूद एक बटन दबाया।
आगोल ने डरते हुए नीचे ज़मीन पर देखा जहाँ चंद सेकंड पहले वो खड़ी थी। बटन दबाने के साथ ही वो हिस्सा ज़मीन का अलग हो गया। अब वहाँ पर कोयले दहक रहे थे। अब वो आदमी दोबारा उस पहिए को घुमाने लगा जिससे आगोल का वजूद वापस नीचे आने लगा। आगोल ने खौफ के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखे मारकर रोना शुरू कर दिया। फिर उस आदमी ने पहिए को वहीं रोक दिया। आधा घंटा गुजर गया था उसे यूं जंजीरों के साथ हवा में लटके हुए। दोनों हाथों में बंधी हुई जंजीरों की वजह से उसकी कलाइयों से अब खून रिसने लगा था। उसके दोनों बाजू पूरी तरह दुख रहे थे। उसे लग रहा था थोड़ी देर में उसके बाजू इन जंजीरों में ऊपर लटके रह जाएंगे और उसका वजूद नीचे दहकते हुए कोयलों की नज़र हो जाएगा। पसीने से उसका पूरा जिस्म शराबूर हो चुका था जबकि उसके दोनों पांव कोयलों के दहकने की वजह से बुरी तरह सुर्ख हो चुके थे। शायद अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी और हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो यूं ही फिज़ा में लटकी हुई बेहोश हो गई। जब आगोल को होश आया तो उसने अपने आप को खूबसूरत से कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाया। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने जिस्म को हल्की सी जुम्बिश दे सके। दोनों पाँवों में उसके आबले पड़ चुके थे। वो चलने से महरूम थी जबकि कलाइयों से निकलता हुआ खून अब खुश्क हो चुका था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। वो बगैर हिले सिर्फ पलकें उठाकर आने वाले को देखने लगी। ये ब्लैक किंग की ख्वाबगाह है। जिस लड़की पर ब्लैक किंग का दिल आ जाए उस लड़की को यहाँ लाया जाता है। तुम्हें मालूम है यहाँ आने वाली लड़की के साथ ब्लैक किंग क्या करता है? काशिफ जेरी चलता हुआ आगोल के पास आया और उससे पूछने लगा। उसकी बातें आगोल को डराने लगी। वो डर के मारे उठने की कोशिश करने लगी। ना ना ना, उठो नहीं। जो तुम समझ रही हो ब्लैक किंग वही करेगा तुम्हारे साथ, मगर अभी नहीं। पहले वो तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पर अपने नाम की मोहर सब्त करेगा, उसके बाद ही वो तुम्हें अपना बनाएगा। काशिफ जेरी बोलता हुआ आगोल की तरफ झुका। आगोल ज़ोर से चीखने लगी मगर काशिफ जेरी उसकी कमीज कमर की तरफ से फाड़ चुका था। फिर वो कहकहा लगाकर कमरे में मौजूद आतिशदान के पास आया और एक लोहे की सुलाख उठाकर उसे गर्म करने लगा। आगोल खौफज़दा होकर चीखती हुई बेड से उतरने की कोशिश करने में नीचे गिर गई। वो मर जाना चाहती थी मगर ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक मौत नहीं। खौफ के मारे चीखते हुए उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने चाहे मगर पाँव में मौजूद छालों की वजह से उससे चला नहीं गया। वो फर्श पर जा गिरी और काशिफ जेरी आगोल को खौफज़दा देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ लोहे की सुलाख को मज़ीद गर्म करता हुआ आगोल के पास आने लगा। वो आगोल की कमर पर के का टैटू बनाना चाहता था। आगोल चीखती हुई अपने आप को फर्श पर घसीट कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और दो अफराद बिजली की रफ्तार से कमरे के अंदर दाखिल हुए। एक काशिफ जेरी पर झपटा था जबकि दूसरे फर्द ने फर्श पर बैठकर आगोल के वजूद को सीने से लगाकर खुद में छुपा लिया। कमरे से बाहर आगोल की चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। जहांगीर कमरे का दरवाज़ा खोलते ही आगोल की तरफ देखे बिना काशिफ जेरी पर झपटा था और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जहांगीर का उस वक्त काशिफ जेरी को देखकर खून खौल रहा था। उस घटिया इंसान ने उसकी बीवी पर बुरी नज़र डाली थी बल्कि उसे अगवा भी करवाया था। जहांगीर अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला था। जहांगीर काशिफ जेरी को मौका और मोहलत दिए बिना मारता ही जा रहा था। काशिफ जेरी के हाथ में मौजूद लोहे की सुलाख नीचे गिर चुकी थी। जहांगीर ने वो लोहे की गर्म सुलाख उठाकर काशिफ जेरी को उससे ही बुरी तरह मारना शुरू कर दिया जिससे काशिफ जेरी के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। जबकि दूसरी तरफ रोहान फर्श पर बैठा हुआ आगोल को अपने हसार में ले चुका था। उसकी आँखें नम थी। उसका आगोल की हालत देख कर दिल फटने के करीब था। आगोल को अपनी जैकेट पहनाकर वो आगोल के बेहोश वजूद को अपने सीने से लगाकर एक बार फिर खुद पर कंट्रोल करने लगा। जहांगीर ने जब उसे बताया कि आगोल को काशिफ जेरी ने किडनैप कर लिया है तब वो और जहांगीर पुलिस की भारी नफरी लेकर अल्किंग होटल पहुंचे थे। पुलिस ने चारों तरफ से होटल को घेरे में लेकर काशिफ जेरी के आदमियों को हिरासत में लिया। बहुत सारे बच्चों और लड़कियों को बाजियाब करवाया। जबकि होटल अल्किंग के टॉप फ्लोर पर मौजूद स्वीट जो कि काशिफ जेरी का था रोहान जहांगीर को लेकर वहां पर पहुंचा। आहिस्ता से आगोल ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने आप को अस्पताल के रूम में मौजूद पाया। उसे बस ये याद था जब उसने शिद्दत से अल्लाह को याद किया था तब अल्लाह पाक ने उसके शौहर और भाई को वहां भेज दिया था।
रोहान उसके जख्मी वजूद को खुद से लिपटाए हुए रो रहा था, मगर वो जहांगीर को नहीं देख पाई थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी, मगर वो बेहोशी में जहांगीर की आवाज़ सुन सकती थी। वो उसका गाल थपथपाता हुआ जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही आगोल की नज़र कमरे के अंदर आते हुए जहांगीर पर गई, जो उसी के पास आ रहा था। कैसा महसूस कर रही हो अब? जहांगीर उसके पास आकर उसके गाल पर हाथ रखता हुआ पूछने लगा। आपने मुझे बचा लिया, आगोल जहांगीर को देखती हुई आहिस्ता आवाज़ में बोली। अपनी ज़िंदगी को बचा लिया, जहांगीर ने आगोल की आंखों में झांकते हुए एतराफ़ किया। वो अभी भी उसके गाल पर हाथ रखे संजीदगी से आगोल को देख रहा था। जब पुलिस होटल के कमरे में आई और काशिफ जेरी का आध मरा वजूद जहांगीर से छुड़वा कर पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, तो जहांगीर भागता हुआ रोहान के पास आया। रोहान के हसार से आगोल का वजूद अपने हसार में लेता हुआ वो आगोल को किस तरह पुकार रहा था, वो बहुत बुरी तरह डर गया था उस वक्त। जहांगीर, मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत बर्दाश्त नहीं की जितनी आज बर्दाश्त की, मगर उसके बावजूद खुदा ने मेरी इज्जत को उस शैतान से। आगोल का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही जहांगीर अपना हाथ उसके होंठों पर रख चुका था। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना अभी ना ज़िंदगी में कभी। मैं बस ये जानता हूँ तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी हो। जहांगीर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर संजीदगी से बोला। उसे तकलीफ हुई थी कि उसकी बीवी अपने किरदार की वजाहत उसको दे। तुम्हें मालूम है तुम मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर समा गया था। अपनी उस कैफियत को मैं चाह कर भी कोई नाम नहीं दे पा रहा था। तुम्हारे अंदर बहुत सी आदतें और बातें सख्त नापसंद होने के बावजूद, तुम पर लाख गुस्सा करने के बावजूद, मेरा दिल कभी तुम्हें नापसंद नहीं कर पाया। मैं अगर अपने दिल को समझाता भी कि ये लड़की मुझे नापसंद करती है, मुझसे नफ़रत करती है, तुम भी उससे नफ़रत करो, तो मेरा दिल मुझे सख्ती से खामोश करवा देता। कहता, वह जो भी करे मगर तुम्हें उससे मोहब्बत ही करनी है। जहांगीर ने बोलते हुए आगोल को हल्का सा बेड से उठाया और अपने गले से लगा लिया। आगोल के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। आज उसके शौहर ने ना सिर्फ उसकी तारीफ की थी बल्कि अपनी मोहब्बत का भी एतराफ़ किया था, अपने महसूसात बताए थे जो वो उसके बारे में महसूस करता था। जहांगीर को उसका तिल बहुत पसंद था। सुनो, अभी अगर आंटी तुम्हें अपने साथ घर ले जाने की बात करें तो उन्हें सहूलत से खुद ही मना कर देना। मेरे साथ हमारे घर चलना है तुम्हें। जब अंकल डिस्चार्ज हो जाएंगे तब जितने दिन रहना चाहो रह लेना। जहांगीर आगोल को वापस बेड पर लेटाता हुआ बोला तो आगोल उसे घूरने लगी। आपके साथ कैसे जा सकती हूँ भला, अभी तो मुझे सहारे की ज़रूरत है, सही से खड़ी भी नहीं हो सकती, मेरे पाँव में तो छाले बने हैं। उसे अपने पाँव के छाले याद आए तो वो जहांगीर से बोली, 3 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने, 24 घंटे सहारा देने के लिए तैयार हूँ, और कुछ? जहांगीर संजीदगी से आगोल से पूछने लगा तो आगोल को हंसी आ गई। वो उस वक्त बहुत टची हो रहा था या फिर डर गया था, जब भी उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। डैडी की तबीयत कैसी है? आगोल का जहन मंसूर की तरफ चला गया तो वो जहांगीर से पूछने लगी। काफ़ी बेहतर हैं वो, माशाल्लाह से रूम में शिफ्ट कर दिया है उन्हें, मगर ऐना और आंटी ने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर बाद उनसे मोबाइल पर बात कर लेना। मंसूर की हालत के पेश नज़र जहांगीर ने ही फातिमा और ऐना को मंसूर से कुछ भी शेयर करने से मना कर दिया था। जहांगीर, वो भाई, क्या आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आगोल बहुत उम्मीद से जहांगीर की तरफ देखती हुई बोली तो जहांगीर लंबा सांस खारिज करता हुआ आगोल से गोया हुआ। काशिफ जेरी और रोनी दोनों ही पुलिस कस्टडी में हैं। रोनी काशिफ जेरी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। उसने काशिफ जेरी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है। कानून के साथ कॉपरेट करते हुए हमें उस जगह तक पहुंचाया है जहां काशिफ जेरी ने लड़कियों और बच्चों को कैदी बनाकर रखा हुआ था, और पहले भी उसने अपना नाम बीच में लाए बगैर पुलिस की काफ़ी हेल्प की है, मगर साथ ही उसने 2 कत्ल का भी इकरार जुर्म किया है। जहांगीर खामोश हुआ तो आगोल बेयकीनी से जहांगीर को देखने लगी। जहांगीर ने उसका हाथ थमा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रोनी के लिए, हफ्ते बाद अदालत में पेशी है, मुझे पूरी उम्मीद है कानून उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा बल्कि उसके साथ रियायत करेगा, मगर वो जराइम पेशा अफराद के साथ मुंसलिक रहा है तो उसे थोड़ी बहुत सज़ा मिलेगी,
मैं तुम्हें और ऐना को सारे हकाइक इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम दोनों आंटी और अंकल को हौसला दो, ना कि उनके सामने रोने बैठ जाओ। जहांगीर की बात सुनकर अगोल ने आंखों में आई नमी को साफ किया। 7 साल बाद सुबह अलार्म की आवाज़ पर उसकी आँख खुली। अलार्म बंद करने के बाद सोए हुए जहांगीर का हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए अगोल बेड से उतरी। बेबी कॉट में सोए हुए 3 साला जारून पर एक नज़र डालकर कमरे की खिड़की खोली। काफ़ी देर से घर की छत पर कौवा बैठा मुसलसल काएं काएं करके उसकी नींद में खलल डाल रहा था। दी जान की बात याद करके उसे हंसी आई। बकौल दी जान के घर में आने वाले मेहमान की आमद का पता देता है ये कौवा। मगर नए आने वाले मेहमान की आमद में अभी पूरे 3 माह बाकी थे। अगोल ने बेसाख्ता अपने पेट पर हाथ रख कर सोचा, हारून और जारून की पैदाइश की बनिस्बत अब की बार उसका डेल डोल काफ़ी हैवी हो गया था, मगर अब उसको एक्सरसाइज या योगा की ना ज़रूरत रही थी ना ही फुर्सत मिलती थी। खिड़की बंद करके वो जहांगीर के पास आई जो अभी तक सो रहा था। जहांगीर उठ जाए, नाश्ता बनाने लगी हूँ। अगोल जहांगीर के करीब बेड पर बैठती हुई आहिस्ता आवाज़ में बोली, क्योंकि जारून अगर जाग जाता तो उसका नाश्ता बनाना मुश्किल हो जाता। क्यों उठ गई यार इतनी जल्दी? कल रात को बताया तो था कि सुबह लेट निकलना होगा मेरा। जहांगीर ने बमुश्किल आँख खोली और वो भी आहिस्ता आवाज़ में बोला, क्योंकि उसे भी जारून के जागने का ख़दशा था। अगर उसकी ये 2 नंबर की औलाद जाग जाती तो फिर दूसरे कमरे में सोई हुई दी जान और हारून का सोना भी नामुमकिन था। हद होती है जहांगीर, कल रात आपने मुझे कब बताया कि लेट निकलना होगा आपका? अगोल घूरती हुई जहांगीर को देखती पूछने लगी, अगर नहीं बताया तो इसमें भी तुम्हारी गलती है। मुझे बोलने का मौका ही कहाँ देती हो? पूरी रात तुम्हारा ही टेप चलता रहता है। अभी थोड़ी देर सोने दो और ख़ुद भी जाकर लेट जाओ। जहांगीर आहिस्ता आवाज़ में बोलता हुआ दूसरी तरफ करवट लेने लगा ही था तो अगोल ने उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या बोल रहे हैं आप? पूरी रात मेरा टेप चलता रहता है? कौन सा, मैं अपने दिल की बातें करती हूँ आपसे। यही बता रही थी ना रात में कि कल दी जान की तबीयत खराब रही, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी, और परसों हारून की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, मेरा वहाँ भी जाना मुश्किल होगा तो आप चले जाइएगा। और ये आपकी 2 नंबर की औलाद, उसका कारनामा तो मैंने कल रात को बताया भी नहीं था। उसने कितना परेशान किया मुझे, जानते हैं? कल उसने अपने पूरे बालों में लोशन की बोतल उंडेल ली। 3 से 4 दफ़ा उसको शैम्पू करवाना पड़ा, तब जाके उसके बालों से वो लोशन निकला। कितनी शिद्दत से मेरा दिल चाहा उसकी खूब जूते लगा के पिटाई करूं। अगर दी जान ने अपनी कसम ना दी होती तो लगा भी देती। अपनी आधी भड़ास जो वो कल रात को नहीं निकाल पाई थी इस वक्त निकालते हुए बोली, आहिस्ता तो बोलो यार, अभी ये जिन जाग जाएगा तो धमाल मचा देगा पूरे घर में। अब मैं जाग गया हूँ, तुम अपने दिल की बात कर लो, क्या है तुम्हारे दिल में? जहांगीर एक नज़र बेबी कॉट में सोए हुए जारून को देखकर एहतियात से अगोल का सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, मुझे अब महसूस होता है आप पहले जैसा प्यार नहीं करते मुझे। अगोल जहांगीर के सीने पर सर रखकर बोली तो जहांगीर ने उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ रुख किया, साथ ही उसे घूरने लगा। 7 सालों में तीसरी बार तुम्हारी मम्मा को नानी बनाने वाला हूँ और कितना प्यार चाहिए तुम्हें? जहांगीर हैरत से बोला तो अगोल ने उसके सीने पर मुक्का मारा, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। आप पहले की तरह रोमांटिक अंदाज में मेरी तारीफ़ नहीं करते हैं। हफ्ते भर पहले मैंने अपने बालों की कटिंग करवाई थी, नोच भी नहीं किया आपने। सारा दिन घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल के बावजूद अगोल को जहांगीर की तवज्जो अपने ऊपर चाहिए होती थी। वो जब भी ज़रा सा गाफिल होता अगोल उससे यूं ही शिकवा करती, तुम रोमांटिक होने की बात कर रही हो? ये हमारी जो 2 नंबर की औलाद है ना, ढंग से बात भी नहीं करने देती मुझे तुमसे। परसों रात को तो ये जिन मुझे साफ बोल रहा था कि मेरी मम्मा है, आप उनके पास नहीं अपनी दीजान के कमरे में उनके पास सोया करें। और वो हफ्ते पहले जो तुम्हें मेडिसन अपने हाथ से खिला रहा था, तब नहीं देखा तुमने कितना लड़ रहा था मुझसे? इसके दुनिया में आने के बाद तो मुझे खुद ही हैरत हो रही है कि मैं तीसरी बार कामयाब कैसे हो गया। जहांगीर की बात सुनकर अगोल हंसने लगी। उसने जहांगीर के सीने पर अपने होंठ रखे। जारून शुरू से ही अगोल से इस हद तक अटैच था कि वो जहांगीर की अपनी माँ से बेतकल्लुफी ज़रा बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो अपने बाप से खूब लड़ता, शक्लन वो अगोल से मिलता था, उसने रंग रूप भी अगोल से ही चुराया था, जबकि हारून बना बनाया अपने बाप की कॉपी था। वैसा ही रंग रूप जहांगीर के नैन नक्कुश,
लेकिन अगोल की अपने बड़े बेटे में जान थी। वो छोटी सी उम्र में ही घर के हर फर्द का ख्याल रखने वाला हसास तबीयत का था। तीसरी बार की खुशखबरी पर तो मम्मा भी मुझसे पूछ रही थी कि जहांगीर और कितने बच्चों का इरादा रखता है। अगोल जहांगीर के सीने पर थोड़ी रखती हुई जहांगीर को फातिमा की बात बताने लगी, जिस पर जहांगीर बेसाख्ता हंसा। अगर अब की बात तुम मुझे बेटी नहीं देती हो तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहता। जहांगीर के बोलने पर अगोल ने घूर कर जहांगीर को देखा, जिस पर जहांगीर आँख मार कर मुस्कुरा दिया। 7 साल 6 माह बाद आज वो खुली फिजा में सांस ले रहा था। जेल की 4 दीवारी से आज उसे रिहाई नसीब हुई थी। बाहर निकलकर रोहान ने जहांगीर को अपना मुंतजिर पाया। रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। जहांगीर आगे बढ़कर रोहान के गले मिला तो रोहान गले मिलने के बाद मुंतजिर निगाहों से उसको देखने लगा। मेरी जल्दी रिहाई की खबर से शायद दूसरे किसी और को इतनी खुशी नहीं हुई। रोहान जहांगीर को देखता हुआ पूछने लगा, शायद वो किसी और का भी मुंतजिर था। तुम्हारी रिहाई के मतलब मैंने किसी और को बताया ही नहीं, तुम्हें अचानक सामने देख कर सब कितना खुश होंगे। उन सब की खुशी का अंदाज़ा तुम घर चलकर खुद लगा लेना, जहांगीर रोहान को देखता हुआ बोला। उसकी रिहाई में अभी 6 माह बाकी थे, मगर बहुत से कैदियों का जेल में नस्म व ज़ब्त और अच्छा रिकॉर्ड देखकर उनकी सज़ा में कमी लाई गई थी। रोहान का नाम भी उन खुश नसीबों में शामिल था। सोच क्या रहे हो, गाड़ी में बैठो, घर नहीं चलना, जहांगीर रोहान को देखता हुआ बोला। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जैडी, मेरे पीछे मम्मा डैडी ऐना का ख्याल रखा है, यहाँ मुझसे मिलने आते रहे, मेरे लिए काफ़ी भाग दौड़ की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा, मगर तुमने मुझे शुक्रिया कहने पर मजबूर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यार, रोहान एक बार फिर जहांगीर के गले लगा। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, तुम अगोल के भाई के साथ साथ ऐना के शौहर भी हो, तुमसे एक नहीं दो दो रिश्ते हैं मेरे। कॉलेज के ज़माने में बेशक हमारी नहीं बनी, मगर जब हमारे दरमियान दोहरे रिश्ते बन गए तो फिर दिलों को यूं तो मिलना ही था, जहांगीर रोहान का कंधा थपथपाता हुआ बोला और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। 7 साल पहले जब काशिफ जेरी को सजाए मौत सुनाई गई थी, तभी काशिफ जेरी के खिलाफ गवाही देने और कानून की मदद करने पर आर्टिकल 16 के तहत रोहान की सज़ा में कमी लाते हुए उसे 8 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा के साथ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। सयान, खामोशी से खाना खाओ वरना मैं तुम्हें स्टोर में बंद कर दूंगी, ऐना हाथ में प्लेट लिए मुसलसल टेबल के चक्कर लगाती हुई जयान को धमकी दे रही थी और जयान ऐना को अपने पीछे भगाता हुआ मुसलसल टेबल के चक्कर काट रहा था। मैंने बोल दिया मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, आई हेट भिंडी, जयान मुसलसल एहतजाज करता हुआ बोल रहा था। क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ ऐना, क्यों हर वक्त बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो, फातिमा जयान की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से निकल आई और हमेशा की तरह ऐना को समझाने लगी। फातिमा को यही लगता था कि वो हर वक्त उनके पोते के पीछे पड़ी रहती थी। आपने गौर नहीं किया किस कदर नखरे बढ़ गए हैं इसके, खाने पीने में किस कदर परेशान करने लगा है, इसकी टीचर भी कंप्लेन कर रही थी कि ये लंच ढंग से नहीं करता, ऐना रुक कर फातिमा को बताने लगी। टीचर्स का तो काम ही शिकायत लगाना है, कोई नखरे नहीं बढ़े हैं, बस भिंडी शुरू से ही पसंद नहीं करता जैसे उसका बाप पसंद नहीं करता था। जयान आ जाओ किचन में, दादो आपको फ्राइज बना देंगी, फातिमा जयान को लेकर किचन में चली गई, जबकि ऐना दोनों दादी और पोते को घूरती रह गई। अगोल बिल्कुल ठीक कहती थी फातिमा के बारे में कि जयान और जारून को बिगाड़ने में पूरा पूरा फातिमा का ही हाथ है। ऐना प्लेट टेबल पर रख कर अपने बेडरूम में चली आई और मोबाइल उठाकर कैलेंडर में डेट देखने लगी, अभी पूरे 6 माह बाकी थे। वो उदासी से सोचने लगी और गैलरी में जाकर रोहान की पिक्स देखने लगी। ऐना सारा दिन अपने आप को मसरूफ रखती, हर वक्त किसी न किसी काम में मशगूल रहती, मगर जब फारिग हो जाती तो उसका यही मशगला होता, रोहान की तस्वीरें देखना और बीते हुए हसीन दिनों को याद करना। जब रोहान को 8 साल की सज़ा सुनाई गई थी वो जैसे टूट कर बिखर गई थी। तब जहांगीर और अगोल ने ना सिर्फ उसे संभाला बल्कि मंसूर और फातिमा को भी संभाला था। वो वक्त बहुत मुश्किल था। रोहान की सज़ा के साथ कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा और जहाज़ जब्त कर लिया गया था। मंसूर ने 50 लाख रुपए जुर्माना भरने के बाद अपना आलीशान घर बेच दिया था, जिसमें जहांगीर मंसूर की काफ़ी मदद की थी, और उस घर की आधी रकम से मंसूर को अपनी कॉलोनी में 2 गली छोड़कर एक अच्छा सा बंगला दिलवा दिया।
जो मंसूर के पहले घर के मुकाबले में उतना बड़ा नहीं था मगर फिर भी बहुत अच्छा था। बाकी बची हुई रकम से मंसूर ने जहांगीर के मशवरे पर ही अपने चार दोस्तों के साथ पार्टनरशिप पर बिजनेस स्टार्ट किया था। ऐशो इशरत की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, हालात पहले जैसे नहीं रहे थे मगर फिर भी औरों से बहुत अच्छे थे। वक्त काफ़ी बदल गया था। फातिमा अब एना को मिडिल क्लास होने का ताना नहीं देती थी मगर अक्सर जयान के पीछे एना से उनकी लड़ाई ज़रूर हो जाती। फातिमा को अपने पोते और नवाज से बेहद अजीज़ थे मगर एक बात को लेकर फातिमा और एना की सोच बहुत मिलती थी और वो बात थी रोहान से नाराज़ की। वो दोनों ही रोहान से नाराज़ थीं क्योंकि रोहान ने जहांगीर को साफ मना कर दिया था कि वो एना, अगोल या फातिमा को लेकर जेल में मुलाकात के लिए नहीं आएगा। अगर उन तीनों में से कोई भी यहाँ आया तो वो उनसे नहीं मिलेगा। और वाकई 7.5 साल वो सिर्फ़ और सिर्फ मंसूर और जहांगीर से ही मिला था। जिस दिन दुनिया में जयान की आमद हुई थी उस दिन न जाने कितनी मुश्किलों से सिफारिश करके जहांगीर सिर्फ 15 मिनट के लिए रोहान को एक इंस्पेक्टर के हमरा अस्पताल लेकर आया था। तब रोहान अपने बेटे को देखकर अश्कबार हो गया था, अगोल और फातिमा से भी मिला था, जबकि एना ने ये मौका अपनी बेहोशी के बाइस गंवा दिया था। वो एना को दूर से देख कर चला गया था। बाद में जब एना को मालूम हुआ कि रोहान थोड़ी देर के लिए आया था तो वह कितने दिनों तक उदास रही। एना ने सारी बातें सोचते हुए अपना मोबाइल वापस रखा। तब उसे महसूस हुआ जैसे घर में कोई मेहमान आया है। उसे जहांगीर की आवाज़ आ रही थी मगर साथ में और कोई भी था जिससे मिलकर फातिमा रो रही थी। मगर फातिमा क्यों रो रही थी? एना बेड से उतरी। मम्मा, डैड हमारे पास वापस आ गए हैं। इससे पहले कि एना कमरे से निकलती जयान भागता हुआ कमरे में आया, एना को देखता हुआ बताने लगा और वापस चला गया। सब बच्चों को यही बताया गया था कि जयान के डैड बाहर मुल्क में काम करते हैं। एना दिल थाम कर कमरे से बाहर निकली। तब उसने रोती हुई अगोल को देखा जो रोहान के गले लगे हुए उससे शिकवा कर रही थी। सब बच्चे हैरत ज़दा होकर रोहान को देख रहे थे। मंसूर और फातिमा भी अश्कबार थे। सिर्फ जहांगीर था जो कि अपने सरप्राइज पर मुस्कुरा रहा था। एना ट्रांस किसी कैफियत में चलती हुई बाहर आई। रोहान अगोल के कंधे से हाथ हटाता हुआ एना को देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे को कितने सालों बाद देख रहे थे। एना कुछ कहे बगैर वापस अपने कमरे में चली गई। भाई, उसे यकीन नहीं आ रहा कि आप वापस आ गए हैं, जाएं उसे अपने वापस आने का यकीन दिलाएं, अगोल रोहान से मुस्कुराकर बोली। तो रोहान एना के पीछे कमरे में आया। वो कमरे में सामने दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। कैसी हो? रोहान एना के करीब आकर उसका चेहरा देखता हुआ पूछने लगा। मुझसे बात मत करें, आप बहुत बुरे हैं। आपने इतने साल हम सबको खुद से मिलने से रोके रखा, ज़रा तरस नहीं आया आपको मुझ पर? कितना रोई हूँ मैं, कितना याद किया है मैंने आपको, अंदाज़ा है आपको कुछ? बोलते हुए एना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था जब वो सामने आएगा वो भी उसे नहीं मिलेगी, गुस्सा करेगी, नाराज़ होगी, मगर वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकी, सिर्फ शिकवा करती हुई बोली। रोहान ने आगे बढ़कर एना को अपने हसार में ले लिया। उसकी कुर्बत से एना का शिकवा भी जाता रहा। कितने ही पल गुजर गए उन दोनों को यूं ही खड़े खड़े। तुम सबका चेहरा ना देखकर यह सज़ा मैंने खुद अपने लिए मुंतखब की थी। वैसे भी मेरा दिल चाहता था ख़ासकर मैं और तुम जब आमने सामने हों तब हम दोनों के दरमियान जेल की सुलाखें हाइल ना हों। रोहान ने बोलते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखे तो एना मुस्कुरा दी। मैं अब आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी, एना रोहान का चेहरा देखती हुई बोली, जिस पर दाढ़ी का इजाफा हो चुका था मगर यह दाढ़ी उसको बहुत सूट कर रही थी। मैं अब भला और कहाँ जा सकता हूँ? रोहान उसका चेहरा थाम कर मुस्कुराता हुआ बोला। ये गुजरे हुए साल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे या वो हमेशा से ही रोहान को अच्छी लगती थी। अपने बेटे से मिले आप? बातों में, आदतों में और नखरों में बिल्कुल आपकी कॉपी है। सारा दिन मुझे बहुत तंग करके रखता है और फिर अपनी दादू से शिकायत लगाकर मुझे डांट भी पड़वाता है। एना दोबारा उसके सीने पर सर रखकर जयान की शिकायत करने लगी तो रोहान मुस्कुरा दिया। वो मेरा खून है, उसे मुझ पर ही जाना था। तुम अपना खून मत जलाया करो यार। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, शुरू से ही मेरी कोशिश रही थी जैडी से 2 कदम आगे रहूं, मगर उसके बच्चों की तादाद देखकर अंदाज़ा हो रहा है वो इस काम में मुझसे बाजी ले गया। रोहान के बोलने पर एना उसे देखकर मुस्कुराने लगी, जबकि ज़िंदगी उन सबको देखकर मुस्कुराने लगी। ख़त्म शुद्ध।
सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द नॉवल दिल यू मिले हमारे बाइजीनिया शुरजील। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।